Thank you, Jesus. मिलके कहेंगे परमेश्वर के नाम में, उसको आराधना देंगे, स्तुति करेंगे। तेरे नाम तो शनवारिया बारे जाइए, तेरे नाम तो शनवारिया बारे जाइए, तेरे नाम तो शनवारिया बारे जाइए, तेरे नाम तो Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah. आइए अपनी आंखें बंद करें, पीछे से आगे तक सब लोग। Hallelujah. उस जीवित बाहित परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, जो पवित्र आत्मा के वसीले हमारे बीच में है। Thanks, God. उसकी हजूरी हमारे बीच में है। उसने कहा, ना डर ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, तुझे संभाली रखूंगा। थैंक यू। तुझे गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया। तुझे विपत्तियों में पड़ने नहीं दूंगा। थैंक यू जीसस। तुझे मैं उठा लूंगा अपने परों पर, मैं अपने दूतों को हुक्म दूंगा, वो तेरी हेल्प करेगा ही। हालेलुया। वो तुझे उठा लेंगे, विपत्ति का कोई भी डर तेरे ऊपर ना आने पाएगा। थैंक्स गॉड। यहोवा तुझे बल देगा, यहोवा तेरी शर्मिंदगी को दूर करेगा, परमेश्वर तुझे उठाएगा। इसलिए उस यहोवा के वचन पर ध्यान करो। यीशु ने कहा कि कोई किसी के लिए जान नहीं देता, मगर मैंने आपके लिए जान दी है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। उसने हमें जान देकर अपना बेशकीमती लहू देकर खरीद लिया है। वो क्या नहीं करेगा हमारे लिए। इसलिए अपने बुरे हालातों को भूल जाएं। हो सकता है कि आपको बहुत सी फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, धन की प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि आपके घर में कलेश बढ़ रहा है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल 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 आ रहा है, और विपत्तियां आ रही हैं, रोग आ रहे हैं, और ऐसे हमारे घर की सिचुएशन बढ़ रही है कि लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा, मगर डोंट वरी, परमेश्वर आज तुझे लेकर आया है, खुदा लेकर आया है, ताकि तेरे ऊपर खुदा के काम प्रगट हो। हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी पर, हमारी फैमिली की लाइफ पर खुदा के काम प्रगट हो, मेरे साथ मिलके हालेलुया कहो जरा। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है, परमेश्वर आपको तरक्की देने वाला है, परमेश्वर आपके हालातों को बदलने वाला है। आमीन। इसलिए अपने आप को चलाएं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हालेलुया। उसके सिवाय आपकी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण चीज ना हो। और मैं चाहता हूं कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, क्योंकि ऐसा ना सोचे कि आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। यहोवा कहता है कि जो मुझ में बना रहता है, मेरे वचन जिसमें बने रहते हैं,
उसके लिए सब कुछ हो जाता है। आमेन। एवरीथिंग पॉसिबल। अपने मुंह को खोलो के सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ऐसा कभी ना बोले के नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोले कि कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं ये हमारे बुरे हालात बदल सकते, जा ये सुधर सकता है, जा ये गंदी चीजों को छोड़ सकता है, जाके हीलिंग आ सकती है। ऐसा ना बोले, ऐसा बोले कि सब कुछ हो सकता है। अपने मुंह में वरदान को भरे, अपने मुंह में चमत्कार को भरे। आप मुंह से बोलोगे, परमेश्वर यहोवा दूतों को हुक्म देगा करने के लिए। इसलिए अपने अंदर पीछे से आगे तक सब लोग खड़े होकर विश्वास के साथ कहें, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि प्रभु भी प्रभु की डिक्शनरी में कोई भी शब्द इम्पॉसिबल नहीं है। वो कहता है कि इम्पॉसिबल को मैं पॉसिबल में बदल दूंगा, आपके हालात चेंज कर दूंगा, आपको दलेरी दूंगा, आपको दलेरी का आत्मा बख्शूंगा, आप यहोवा के काम देखोगे। हालेलुया। रे बेशा दल बथ कर बल बथ रश दर ब, वो अपना बल देगा तुझे, वो स्वर्गीय ज्ञान देगा, बुद्धिमान बनाएगा आपको कामयाबी की ओर लेकर जाने के लिए। क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने घर को बनाते हैं, वो बिजनेस को चलाते हैं, वो तरक्की पर जाते हैं, जो बुद्धिमान का आत्मा पाते हैं। इसलिए आप पर परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा उतरे, ज्ञान का आत्मा उतरे, प्रभु का फजल उतरे। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, इन सारी कलीसिया के लिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, तेरे आत्मा का जोर वक्ष पिताज, तेरे आत्मा का जोर आए यहां पर, तेरे आत्मा की शक्ति आई यहां पर। हमारा शरीर और हमारा आत्मा तेरे वचन की पावर से भर जाए। हालेलुया। तेरा आत्मा हम पर झूमच करे, तेरा आत्मा मंडलाए हम पर। हालेलुया। तेरी शक्ति हमें छुए परमेश्वर, तेरी शक्ति हमें टच करे, तेरी पावर हमें टच करे परमेश्वर। जितनी पब्लिक है यहां पर और जितने सुन रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में कुछ भी असंभव काम है जो उनको लगता है नहीं हो सकता, आज तेरा दास बोलता है परमेश्वर तेरे वचन की सामर्थ से वो हो जाए। आपका चिल्लाना ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। शैतान को हराने वाला अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए। थैंक यू। प्रभु की आत्मा के लिए कोई आंख खुली ना हो। अगर हमारी टीम आपको टच कर रही है, आपको छू रही है, आपका स्थान बदल रही है, तो समझ लो आपके लिए गुड न्यूज का दरवाजा खुल रहा है। आमेन। सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी जीसस। जितने कहेंगे धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यहोवा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, वो धन्य हो जाएंगे। बेले बेथर बशदर बथ कर बल भूर बशदर हो मैं आत्मा में देख रहा हूं कि बहुत से दिल बेचैन हैं, बेचैनी है उनके मन में, कुछ डिसीजन नहीं ले रहे। अगर वो डिसीजन लेते हैं तो वो उस पर सफल नहीं हो रहे। आपकी बेचैनी आपको नीचा कर रही है, आप अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं,
आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आपका स्ट्रगल बढ़ रहा है, दुष्ट आत्माएं आपको तंग कर रही हैं, सपनों के द्वारा आपको तंग कर रही हैं, शैतानी काम आपकी लाइफ में बढ़ रहे हैं, घर में कुछ भी अच्छा होता हुआ आपको नहीं लग रहा, और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि आज हम भवन में आकर प्रभु के आराधनालय में अपने आप को विश्वास में खड़ा करें, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा होने जा रहा है। रबशा दलबा, जब परमेश्वर साथ खड़ता है ना, तो कोई विरोध में नहीं खड़ा हो सकता, कोई विपत्ति नहीं खड़ी हो सकती, कोई इवल स्पिरिट की ताकत खड़ी नहीं हो सकती जब परमेश्वर साथ खड़ा है। इसीलिए कहें, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। फिर से कहें, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। शैतान तू पैरों के नीचे है, सारे पाप हमारे पैरों के नीचे हैं, सारे शैतानी काम रोन दिए गए हैं, हमें जीत मिल गई है, हमें परमेश्वर का आत्मा मिला है, सब कुछ हो जाएगा। जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने की। कहें सारे मिलके, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, परमेश्वर का यह वादा है, तू घबरा मत बेटी, मैं तेरे साथ हूं, चुटकियों में तेरी लाइफ को मैं बदल दूंगा। आमीन। जो तेरे ऊपर जोर दिखा रहे हैं, जो तेरे ऊपर अपना बड़ापन दिखा रहे हैं, जो चीजें शैतानी तुझ पर राज कर रही हैं, वो मैं उखाड़ कर बाहर फेंकूंगा, क्योंकि प्रभु शक्ति तेरे साथ है। हालेलुया। आमीन। रब अशादा लबाथे के रे बेबी बे। और मैं चाहता हूं कि इस परमेश्वर की शक्ति को अपने साथ लो, कहो कि हम रिसीव करते हैं परमेश्वर की शक्ति को, हम रिसीव करते हैं, और मिलकर कहें, जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। मैं चाहता हूं कि जब परमेश्वर की वर्शिप होती है ना, आपको लगता है कि टीम की ड्यूटी है, टीम गाए बजाए, आपको पता है कि अगर टीम गाएगी बजाएगी वो बरकत ले जाएगी। अगर हम सारी कलीसिया पीछे से आगे तक, सब बुजुर्ग बच्चे जवान सब लोग हम मिलके ऑनलाइन ऑफलाइन सारी कलीसिया प्रभु की वर्शिप करेंगे, तो हम सब बरकत लेकर जाएंगे, गुड न्यूज लेकर जाएंगे। आमीन। मैं आने वाले 20 दिन के अंदर देख रहा हूँ, बहुत से पासपोर्टों के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष दे रहा है। आमीन। रुके हुए काम बन रहे हैं आपके, शराब टूट रहे हैं, बुरी नजराएं हट रही हैं। आमीन। आने वाले 20 दिन के अंदर आपके घर में गुड न्यूज है। आमीन। मैं फिर से बोलता हूँ, गुड न्यूज है और है, उसको रिसीव करो यीशु के नाम से, इसे कोई रद्द नहीं कर पाएगा। जमीनी रूहानी जिस्मानी सारे शराब टूटेंगे, उसके बाद में आप ऐसे अपने मन को ऊंचा करेंगे कि आप बहुत सा अपने जीवन में खुदा की सामर्थ से भरकर एक बल को प्राप्त करेंगे और जीत जाओगे यीशु के नाम से। और मिलकर कहें,
तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, क्या जरूरत अपने दिल पर हाथ रखे, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, फिर से कहें, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, रबाशा ताला बातें करे बे 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 मुझे तेरी परस्तिश करने को, तू जो साथ खड़ा है खुदा, 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 क्या जरूरत डरने को, हालात भी रो और मैं चाहता हूं कि आपकी फैमिली अगर आपको रोक रही है, आपकी फाइनेंस पैसे की समस्या है, आपको खुदा की आराधना के लिए रोक रही है, आपका क्लेश आपको रोक रहा है, आपकी बीमारी आपको रोक रही है, आपकी गरीबी आपको रोक रही है, आपके केस आपको रोक रहे हैं, आपकी बरोधता आपको रोक रही है, आप खुद रुक रहे हैं, जब आपको किसी इंसानों के द्वारा रोका जा रहा है, बाइबल पढ़ने में प्रॉब्लम है, प्रार्थना करने में प्रॉब्लम है, चर्च आने में प्रॉब्लम है, वर्शिप करने में प्रॉब्लम है, जब आपकी हड्डियों की समस्या है, आप बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, आपके हाथों में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, बैक पेन है, रसौलिए हैं, गिल्टिए हैं, हर अंधकार की ताकत है जो आपको परमेश्वर की वर्शिप करने से रोक रही है, आज यीशु की सामर्थ को रिसीव करो, सब जा चुकी है यीशु के नाम से, हाथों को उठाकर ताली होनी चाहिए आपकी, हाथों को उठाकर वर्शिप होनी चाहिए आपकी, क्योंकि मैं इन चीजों को श्राप देता हूं, तोड़ता हूं यीशु के नाम से, आप खुदा की वर्शिप करें और आनंद से भर जाएं, कहें शुक्रिया परमेश्वर, शुक्रिया परमेश्वर, फिर से कहें शुक्रिया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए अपने स्थानों पर बैठें जल्दी सब लोग, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, चलाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ लीड खराब है, थैंक यू जीसस, ओके, कितने लोग आमीन बोल सकते हैं, आज बहुत गर्मी है मगर उससे भी हमें कुछ, परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया, खुदा हमारे साथ है, खुदा की प्रेजेंट हमारे साथ है, और आज एक स्पेशल प्रेयर है, आज एक स्पेशल प्रेयर होने जा रही है, जो अपनी बॉडी में सिकनेस को महसूस करते हैं, कमजोरियों को महसूस करते हैं, या किसी भी प्रकार की
बीमारी को अपने शरीर में फील करते हैं या रोगों को। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपको सारी सिकनेस और वीकनेस और बीमारियों से आजाद करे यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला, हमारे ऊपर अपनी करुणा बनाई रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए फ्रेश हो जाओ। और एक खास अनाउंसमेंट से मैं शुरू करूंगा, और ताकि परमेश्वर आपको छू सके और परमेश्वर की आशीष आप पर आ सके और आप परमेश्वर के नाम में मुबारक हो सको और आगे बढ़ सको। हालेलुया। और ये स्पेशल अनाउंसमेंट है जिसके लिए आप सबने प्रेयर में रहना है और प्रार्थना में अपने आप को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। और ये आने वाले दिन में जुलाई महीने में सभा होने जा रही है। इस सभा के लिए अपने आप को तैयार करना है। और ये सभा 19 और 20 तारीख को इसी महीने में दो दिन की लगातार सभा होगी यहां पर। हालेलुया। किसी ने भी ताली नहीं बजाई। आमेन आमेन। और इस सभा के लिए अपने आप को तैयार करना है। दो दिन की सभा होने जा रही है। डिलीवरेंस मीटिंग होगी। खुदा आपको इन मीटिंग्स में आशीष देगा। और इन दो दिन की मीटिंग के लिए हमने आज से ही प्रार्थना में जाना है। और फ्राइडे आने वाला शुक्रवार जो है, सारी कलीसिया उसमें फास्टिंग रखेगी, व्रत के साथ रहेगी, फास्टिंग में बैठेगी। और रात को जब ऑनलाइन मीटिंग चलेगी तब आप अपनी प्रेयर को रिसीव करेंगे। फास्टिंग अपने सही टाइम पर आप खोल सकते हो, मगर रात को 8:10 पर जब वचन शुरू होगा उसके बाद आप अपनी फास्टिंग की आशीष को रिसीव कर सकते हैं ऑनलाइन। बोले आमेन आमेन। ये दो दिन की जो सभा होने जा रही है 19 तारीख और 20 तारीख को, ये दो दिन की रात की सभा होगी, शाम की सभा होगी। और परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझे दर्शन दिया है, ये दर्शन परमेश्वर कलीसिया के लिए दिखा रहा है, क्योंकि कलीसिया को सजाया जाए, कलीसिया को तैयार किया जाए और कलीसिया के लिए परमेश्वर के दूत उनकी प्रोटेक्शन में आए, उनकी हिफाजत में आए। और ये दो दिन की सभा आपका जीवन बदल देगी, देखना। हालेलुया। रबाशाद दालबा, आप चेंज हो जाओगे। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई मेंटली भी अपसेट है उसको भी लेकर आओ, अगर कोई बीमार है उसको भी लेकर आओ, लाचार है उसको भी लेकर आओ, कोई नशा करता है उसको भी लेकर आओ। फुल फैमिली के साथ इस सभा को आपने अटेंड करना है, दो दिन की सभा को। और मेरा परमेश्वर आपके हालात बदल देगा यीशु के नाम से। आमीन। छोटा था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इन सभाओं में अपनी प्रार्थना को रिसीव करें, अपनी प्रेयर को रिसीव करें, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें, अपनी आशीष को रिसीव करें। अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति चलना, कैसे चलना है उसको रिसीव करें। हालेलुया। तैयार हो कि नहीं? तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश हो जाए, अंधेरा हो जाए, हमने क्या करना है? इन सभाओं में सबसे पहले आना है। बोलो हालेलुया। सबसे पहले तैयार होना है, सबसे पहले आकर परमेश्वर के भवन में हमने ये समय को गुजारना है। बोलो आमेन हालेलुया। और
मैं आज का वचन शुरू करने से पहले एक मेरे पास टेस्टमनी है जो ऑनलाइन प्रेयर कर रहा था। एक सिस्टर है जिनकी शादी मुसलमान धर्म में हुई और वो सिस्टर के 3 बच्चे, और वो ये सोच रही थी कि अब मेरा मसीह में चलना या रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब मुझे परमेश्वर की आराधना से रोका जाएगा। हुआ भी ऐसा ही, तकरीबन 8 से 10 साल उनकी मैरिज को हो गए और वो कभी भी वचन नहीं सुन पा रही थी, कभी भी परमेश्वर का नाम नहीं ले पा रही थी। और क्या हुआ कि जब वो ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे तो उनके लिए स्पेशल प्रेयर हुई, तो उसी समय तकरीबन आधे घंटे के बाद उसका हस्बैंड उसको आकर बोल रहा है, देखो हम मानते हैं मुसलमान धर्म को, मगर हमें चाहिए कि कोई पादरी हमारी फैमिली के लिए प्रेयर करे। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। और मैंने उनके लिए प्रेयर की। अभी वो ऑनलाइन हमारे साथ मिनिस्ट्री के साथ टच हैं और खुदा की ब्लेसिंग को ले रहे हैं। ये एक जबरदस्त टेस्टमनी है, इसके लिए ताड़ी होनी चाहिए परमेश्वर की। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि इन 19 और 20 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है, ये आपके लिए शिफा चर्च में एक उद्धार का कारण बनेगी, मुक्ति का कारण बनेगी, छुटकारे का कारण बनेगी। अभी से इसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करना है, फास्टिंग में जाना है, प्रेयर परमेश्वर के आगे करनी है, बंधन टूटे, श्राप टूटे, लोग फ्री हो उस दिन। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें आज से ही इन डेटों को अपने जुबान पर, अपने डायरियों पर लिखना है और दूसरों को बताना है। तैयार हो कि नहीं? ये ओनली भाइयों की सभा नहीं है, ये ओनली सिस्टर की सभा नहीं है, ये सबकी सभा है। ये 2 दिन की सभा एक अलौकिक सभा होने जा रही है, और मैं चाहता हूं कि इन 2 दिनों में अगर कोई भी यहां पर रुककर 2 दिन बिताना चाहता है, चर्च में रुककर, दिन में भी रात को भी यहां पर रहकर परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, वो कर सकता है। कितने लोग आमीन बोलते हैं? आमीन। प्रभु के घर में रहना ना, प्रभु के आराधनालय में आकर सेवा करना, यहां पर रहना, प्रेयर में बैठना, रात को उठकर 12 बजे तक यहां पर घुटने टेकने, प्रभु की प्रेजेंट को आप देखोगे। परमेश्वर, जो लोग कहते हैं ना परमेश्वर तो है ही नहीं है, तो वो लोग जब यहां पर आके प्रेयर में बैठेंगे तो फिर उनको जब झटके लगेंगे ना पवित्र आत्मा के, तो वो कहेंगे कि परमेश्वर है। आमीन। खुदा को फील करेंगे, वो खुदा की प्रेजेंट को फील करेंगे। बहुत से भाई यहां पर रातों को रुकते हैं। आपको पता है कि आप धन्य लोग हो जो परमेश्वर के भवन में आपका एक लॉन्ग समय बीत रहा है, आपके काफी घंटे प्रभु की हजूरी में बीत रहे हैं। ये एक अलौकिक पावर है। कितने लोग आमीन बोलते हैं? आमीन। याद है कि हम एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। पिछले संडे हमने एक टॉपिक को छेड़ा था और उस पर हमने कहा था कि 2 संडे लगातार हम प्रचार करेंगे, प्रभु का वचन खोलेंगे। तैयार हो कि नहीं? वहां से ही हम शुरू करेंगे और उसी वचन को हम लेंगे जैसे रसूलों के कर्तव्य उसका 26 अध्याय और उसका 18 वचन, प्रेरितों के काम उसका 26 का 18 वचन हम बाइबल में से पढ़ रहे हैं और उस पर ध्यान कर रहे हैं। जहां से हमने छोड़ा था वहां से आगे चलेंगे। मैं चाहता हूं इसको पढ़ो जरा। ता जो तू उन्हां दियां अखां नूं खोल दे में, वाओ, पईओ हनेरे तो चानण दी बल, Yes. अते शतान दे बस तो परमेश्वर दी बल मुड़न, के ओ पापां दी माफी अते उना बेच जो मेरे उते निश्चा करके पवित्र होए हन विरसा पाउन। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ रहे हो आप?
यहां पर लिखा है परमेश्वर लाइफ को चेंज करते हैं, मतलब यूटरल, मतलब बदलना, बदलाव। परमेश्वर चाहते हैं कि आप मौत की ओर जा रहे थे, शैतान की ओर जा रहे थे, पापों की ओर जा रहे थे, गुनाहों की ओर जा रहे थे, और प्रभु के वचन ने आपको छुया और आप वहां से यू टर्न आ गए, मुड़ गए। हालेलुया, अब मुड़ आए, अब वापस आ गए, क्योंकि खुदा की शक्ति ने आपको खींचा, परमेश्वर के जिंदा वचन ने आपको खींचा। और बाइबल में कितनी उदाहरणें हैं कि जो लोग नरक की ओर जा रहे थे, गुनाहों की ओर, मौत की ओर जा रहे थे, खुदा की पावर ने उनको बदला, उनको चेंज किया और वो जिंदगी की ओर चलने लगे। हालेलुया। आपके लिए एक सवाल है, क्या आप अभी परमेश्वर के भवन में बैठकर ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां कहीं भी लोग हैं, क्या आपको लग रहा है कि खुदा के पीछे चलने वाले लोग जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं? यस, आप परमेश्वर पे पीछे चलने वाले लोग उजाले की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के फजल की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु को देखने की ओर बढ़ रहे हैं, अपने कदम परमेश्वर की ओर बढ़ा रहे हैं हम। आपको कभी फील हुआ कि मैं परमेश्वर की ओर बढ़ रही हूं, मैं खुदा की ओर बढ़ रहा हूं? और बाइबल में लिखा है आप खुदा की ओर तब फील करोगे, आप बढ़ रहे हो, जब आपकी लाइफ यू टर्न आएगी, आप चेंज होंगे, आपका खाना पीना चेंज होगा, आपका स्वभाव चेंज होगा, आपके कपड़े चेंज होंगे, आपका बोलना चेंज होगा, आपका रहना चेंज होगा, आपका भक्ति करना चेंज होगा। हर चीज में जब बदलाव आएगा तब आपको फीलिंग आएगी कि मैं खुदा की ओर बढ़ रही हूं, मैं परमेश्वर की ओर जा रही हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में आज से जो 2 साल पहले चल रहा था सब कुछ वही चल रहा है, आज से 6 महीने पहले चल रहा था, जब 10 साल पहले चल रहा था, जब 4 साल पहले चल रहा था, जब 2 महीने पहले चल रहा था, जब 6 साल पहले चल रहा था, जब आप प्रभु में आए वैसा ही आज भी चल रहा है, तो हमें यू टर्न मारने की जरूरत है, हमें थोड़ा अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। अगर आपका टेवर चेंज नहीं हुआ जो पाप का था, तो हमें बदलने की जरूरत है। अगर आपकी जुबान चेंज नहीं हुई तो हमें बदलने की जरूरत है। आप आत्मिक लाइफ में बड़े नहीं, आप वहीं टिके हुए हो, तो हमें बदलाव की जरूरत है। अपने मुंह को खोलो कि परमेश्वर हमें बदलाव की जरूरत है। और मैंने 100 में से 80 बंदों को कहते हुए देखा जो प्रभु में है, हम प्रभु में चल रहे हैं मगर कुछ खास बदलाव नहीं है। हेलो, हम प्रभु में चल रहे हैं, कुछ खास बदलाव नहीं है, मगर फिर भी हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। मगर 80 बंदों को परमेश्वर जो जवाब देता है कि 20 बंदों की ओर देखो जो कह रहे हैं हमारा जीवन बदल चुका है, हम खुदा की ओर बढ़ रहे हैं, खुदा की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन। आपको पता है कि जब इज़राइल के लोग मिस्र की गुलामी से निकले और जब वो एक उस जंगल में, जो जंगल सिर्फ 40 दिन का था, अगर आप एक साइड से दूसरी साइड तक जाना है उस जंगल के बीच में से निकलकर, तो कितने दिन लगते हैं? बोलो कितने दिन? 40 दिन। बोलो 40 दिन। 40 दिन, 40 दिनों में आप उस जंगल को पार कर सकते हैं अगर आप पैदल चल रहे हो, अगर आपके पास कोई साधन है, कोई उड़ने वाला, कोई ऐसी स्पोर्ट है जिसके द्वारा
आप तेजी से जा रहे हो तो इससे भी कम दिनों में आप जंगल को पार कर सकते हो। मगर वहां पर उनको पता था कि हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आपको पता है कि 20 लाख लोगों में से नेगेटिव लोग कितने थे, वहां पर नेगेटिव लोग कितने थे जो सिर्फ ये चाहते थे कि हम गुलामी से निकल आए हैं, हमें मिस्र की गुलामी से निकाल दिया। वहां पर शराब थे, वहां पर पाप था, बुरी भक्ति थी, बुरा खाना था, हमारे ऊपर ऐसे कोड़े बरसाए जाते थे, मारा जाता था, और हमारे परमेश्वर ने हमें गुलामी से निकाल दिया। बोलो गुलामी से, फिर से बोलो गुलामी से निकाल दिया। 100 में से 98% लोग, 98% लोग ये सोचते थे हमें परमेश्वर ने गुलामी से निकाल दिया, हमें परमेश्वर ने गुलामी से निकाल दिया, हमें परमेश्वर ने गुलामी से निकाल दिया। आज भी बहुत से लोग मसीह में आकर कहते हैं हम मसीह में आ गए हैं, हम मसीह में आ गए हैं, हम मसीह में आ गए हैं। देखो जो ऐसा ही कहते हैं कि हम मसीह में आ गए हैं, मसीह के मसीह में आ गए हैं, ये पूरा उद्धार नहीं है, ये पूर्ण छुटकारा नहीं है। वहां पर 2% लोग थे जो यहोवा के पीछे चल रहे थे, खुदा के पीछे अपनी मंजिल को टारगेट रख रहे थे, अपनी मंजिल को देखकर चल रहे थे, वो अपनी आखिरी स्थान को देखकर वो चल रहे थे। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सारे समझ रहे हो कि? सारे समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. मैं की कह रहे हैं कि परमेश्वर दे पीछे चलन वाले अजीज अपने निशाने नू रख के चलो, अपने टारगेट नू रख के चलो कि मैं कित्थे तक परमेश्वर दे नाल चलना, कित्थे तक मेरी संतुष्टि हो जानी है, कित्थे तक परमेश्वर ने मैनू मिल जाना है। जेड़े लोग अपने जीवन दे विच दर्शन जा किसी भी प्रकार का टारगेट नहीं रखते, वो ऐसे ही लोग होते हैं। 98% लोग के हम छुड़ाए गए हैं, भाई हम छुड़ाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं। आपको पता है जितने लोग छुड़ाए जाते हैं वो फिर से भी फंस जाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? जो लोग छुड़ाए गए हैं शैतान उनको फिर से भरमा सकता है, आकर फिर से गुलाम कर सकता है। कैसे? मिस्र की गुलामी से तो वो निकल आए कि मिस्रियों ने इसराइलियों को छोड़ दिया था कि चले गए, कि चलो भाई कोई बात नहीं, ये परमेश्वर ने इनको छुड़ा लिया तो वो चले गए तो कोई बात नहीं। वो हाथ पर हाथ धर कर बैठ गए थे, राजा फिरौन उसकी सेना, वे कोई बात नहीं चले गए, वो उनको जाने दो, वो सो गए थे अपने बिस्तर पर जाकर। बोलो, इसलिए मैं कहता ना बाइबल पढ़ा करो, वो सो गए थे। वो क्या कर रहे थे उस समय? आपको पता है वो प्लान्स कर रहे थे, वो उनका पीछा कर रहे थे कि भागो, कहां तक भाग सकते हो, हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे आ रहे हैं। उनको वो देख रहे थे कि जब ये कमजोर हो तभी इन पर हम अटैक करेंगे, जब ये परमेश्वर को फटकारे, परमेश्वर की प्रेजेंट इनसे हटे तो हम इस पर अटैक करें। मेरी ओर वो मिस्र के लोग, मिस्र के सेना ये सोच रहे थे कि कब इन पर परमेश्वर की प्रेजेंट हटे तो हम इन पर क्या करें, अटैक करें, इनको फिर से पकड़ें, गुलामी में लेकर जाएं। तो आपको पता है कि परमेश्वर की प्रेजेंट वहां पर क्यों नहीं हट रही थी उन पर? क्योंकि 2% लोग एक मंजिल को देखकर चल रहे थे, यहोवा को पाने की ओर चल रहे थे। परमेश्वर ने जो वादा किया था ना कनान देश में जाने का, वो उसको देखकर चल रहे थे। चाहे 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया उनकी गलतियों के कारण, मगर फिर भी 2% लोग परमेश्वर
यहोवा के वादे को देखकर चल रहे थे। मगर याद रखो, जो आपके घर से, आपकी बॉडी में से निकला है ना, आप बोलते हो हम आजाद हो गए, आजाद हो गए, गुड हैं, आजाद हो गए, मगर जो निकलता है वो आपके पीछे ही रहता है, आपको देखता है कि कब ये वीक हो। जो बुरी आदतें हम में से निकलती हैं, जो दुष्ट आत्मा के कार्य हम में से निकलते हैं, पाप जो निकलता है, बीमारियां जो निकलती हैं, जो शैतानी चीजें पाप निकलता है हमारे अंदर से, दुष्ट आत्मा निकलती है हमारे घर से, याद रखें कि वो कहीं दूर नहीं होती, हमारे पीछे ही हमारा पीछा कर रही होती हैं। समझे हो कि नहीं? हमारा पीछा कर रही होती हैं, पीछा कर रही होती हैं। तो वो तब तक आप पर अटैक नहीं करेंगे जब तक आप वीक ना हो जाओ, जब तक आप पर प्रभु की प्रेजेंट उठ ना जाए वो आप पर अटैक नहीं करेंगे। अगर आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, आपने यू टर्न ले लिया है, आपने पापों को छोड़कर, मौत को छोड़कर, हर एक दुष्टता को छोड़कर, हर एक बुरी भक्ति को छोड़कर प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु को पाने के लिए चल रहे हो, तो शैतान कभी भी आप पर अटैक नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। अगर हमारी वीकनेस आ गई, अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी आ गई, जो हमारे अंदर से निकलता है वो फिर से अटैक करेगा हम। आखिर प्रॉब्लम आती कहां से है, वीकनेस आती कहां से है, क्यों हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्यों क्यों शैतान हम पर हावी होता है? शरीर की वजह से, शरीर की वजह से। बाइबल क्या बताती है? शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रहते हैं, मगर शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। ये दोनों शब्द बोले मेरे पीछे, आत्मा शरीर के विरुद्ध, शरीर आत्मा के विरुद्ध रहते दोनों इकट्ठे हैं। और मैंने बहुत से बहनों को, भाइयों को यह कहते हुए सुना है, जब उन्होंने बाइबल पढ़नी है तो शरीर उनको बाइबल पढ़ने नहीं देता, शरीर थक जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर हमें, हमारी आंखें, आंखों में दर्द होने लगता है, नींद आने लगती है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं तब शरीर की जो चीजें हैं वो आत्मा पर हैवी होने शुरू होते हैं, वसी आने लगेगी, थोड़ा गर्मी आने लगेगी, सर्दी लगेगी, कोई ना कोई शरीर की प्रॉब्लम आपको आगे सामने आएगी, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा की रोटी आपको खाने नहीं देगा, आत्मा की आशीष को लेने नहीं देगा। शरीर, शरीर आपको थकाएगा, शरीर आपको ना शब्द में लेकर आएगा कि नहीं हो सकता, शरीर आपको कहेगा कि छठ छठ यार आज की चर्च जाना, हाँ शरीर आपको कहेगा दर्द आ जाएगा, दर्द कभी हुआ नहीं, संडे को दर्द आ जाएगा, वो दर्द कहेगा कि छोड़ आज बिस्तर पर लेट, एसी चला और आराम कर आज। शरीर कहेगा कि क्यों फास्टिंग क्यों करना है भाई, भूखे क्यों रहना है, यीशु भूखा रहकर चले गया, हमें क्यों भूखे रहना है, हमें क्यों फास्टिंग करना है। बड़े ध्यान से सुनना, शरीर कहेगा छोड़ क्या चर्च जाना, छोड़ क्या क्या प्रेयर करवानी, क्या बाइबल पढ़नी, अगले संडे करेंगे, फिर हो जाएगा जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा। शरीर हमारा, हमारे ध्यान करते, बच्चे भी गर्मी में जाएंगे, धूप है, बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शरीर कहेगा छोड़ यार आज, हमारा टारगेट मिस हो जाएगा, शरीर हमें वीक करेगा, शरीर की जो अभिलाषें हैं, आरामदायक अभिलाषें हैं, वो हम पर हावी हो जाएंगी। आत्मा, जो लोग आत्मा से चलते हैं, बाइबल में लिखा है
खुदा का आत्मा अंतिम दिनों में ऐसे भक्तों को खड़ा करेगा जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से चलते हैं। जो आत्मा से भरे हुए होते हैं ना, वो संडे के दिन चाहे किसी दूर शहर में रहते हैं, वहां से भी उनका आत्मा उपाले करता है, उसको बेचैनी लेकर आता है, जा फटाफट चर्च में। उनके अंदर वो उबाले मारता है। आपको पता है उनके लिए परमेश्वर फरिश्तों को भेजता है, आमीन, जा मेरी बेटी को लेकर आ, आमीन, जा मेरे भाई को लेकर आ, आमीन। शरीर पर हमेशा हमने जीत पानी है। मैं चाहता हूं कि आपका आत्मा आपके शरीर को चलाए, कमांड करे, आपका आत्मा शरीर को कमांड करे, आपका आत्मा शरीर को कहे नहीं, मैं परमेश्वर की ओर बढ़ना है, उठ आज यीशु आ सकता है, उठ आज प्रेर कर। रातों को परमेश्वर उठाएगा आपको, उठ प्रार्थना में बैठ, उठ बंदगी कर, वर्शिप कर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा की ओर बढ़े। आत्मा शरीर को कमांड करे, ना कि शरीर आत्मा को कमांड करे। क्योंकि अगर आपका शरीर आत्मा को कमांड कर रहा है, आत्मा को हुक्म दे रहा है कि आत्मा तू ऐसा चल, आत्मा तू ऐसा चल, तो कहीं ना कहीं आप नरक की ओर बढ़ रहे हैं, शैतान की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपका आत्मा शरीर को कमांड कर रहा है, नहीं शरीर चल, तो परमेश्वर की आराधना कर, परमेश्वर के भजन गा, परमेश्वर की सेवा कर, तो आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आप खुदा की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। शरीर आपका आत्मा पर हैवी नहीं होना चाहिए। अगर शरीर हैवी हो गया ना, तो शरीर का अंत है नरक की मौत। शरीर ने नाश हो जाना है, और शरीर ने नाश होना है साथ में आत्मा को भी नाश कर देना है। आपको पता है कि अगर आत्मा से चलने वाले लोग आत्मा से भरकर चलेंगे, अपने शरीर को कमांड करेंगे, तो शरीर से जो जुदा चीजें हैं, जो जुदा चीजें हैं, आपका खाना पीना, आपके पशु, आपकी खेती, आपके साधन, सारी चीजों को आत्मा कमांड करेगा। आप पशुओं को कमांड करोगे, पशु आशीष हो जाएंगे। जमीन को कमांड करोगे, जमीन आशीष हो जाएगी। आप अपने हरेक खाने पीने वाली चीजों को बरकत दोगे, तो वो बरकत में आ जाएंगे। जब आप आत्मा की आवाज को सुनकर आत्मा की जरिए चलोगे, तो हर एक चीज आपके लिए भलाई पैदा करेगी। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ये दो संडे का जो वचन था, यही है कि हमने अपनी आंखों को खोल कर चलना है, बुद्धि को खोल कर चलना है, और हमने यू टर्न लेना है, और हमने परमेश्वर की भक्ति इसीलिए नहीं करनी कि उन्होंने हमें छुड़ा लिया। हमने परमेश्वर की भक्ति इसीलिए करनी है क्योंकि हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, हम खुदा की ओर जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जो लोग परमेश्वर के वादे की ओर चलते हैं, उनके आगे तूफान भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, अंधकार भी आ जाए, जहां तक समुंदर भी आ जाए, वो भी चीर कर निकल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई परेशानी भी आ जाए, उनको चीर कर निकल जाते हैं। कोई श्राप भी आ जाए, कोई विपता, कोई क्लेश भी आ जाए, वो चीर कर निकल जाते हैं। बोलो, जहां पर कितने लोग हैं जो तूफानों को चीर कर निकलने वाले हैं, आमीन, विपत्तियों से निकलकर परमेश्वर की ओर बढ़ने वाले हैं, आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंस गए, लोग ना आपके शरीर को आकर कहेंगे छोड़ चर्च जाना, छोड़ बंदगी करना, छोड़ रात को क्या करना है, दिन को क्या करना है। हाँ, कई लोग ना, कई माँ बाप अपने जवान बच्चों को बोलते हैं,
तू ऐसा कर, दिने दिने बंदगी जाया कर, जब रात की मीटिंग होती है तो ना जाया कर। क्या वो उनके माइंड में कुछ बातें हैं इसीलिए वो कह रहे हैं? क्या बातें हो सकती हैं? शरीर की बातें बोले, एक तो ये बातें हो सकती है, अंधेरा हो जाता है। दूसरी बातें ये हो जाती है, आप जवान हो, आपको कोई छेड़खानी करेगा, आप कहीं कहीं भी पापों में जाओ, है ना। ऐसी नेगेटिव थिंक होती है। कभी आपने अपने बच्चों को आत्मा से कमांड किया है, मेरी बेटी मेरे बेटे जा परमेश्वर के भवन में जाके आराधना कर, स्तुति कर, गा बजा आत्मा से भर कर, आपके बच्चे आत्मा से, यीशु के नाम से आप खुद आत्मा से भरोगे, यीशु के नाम से। जो आत्मा से भरते हैं वही परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं। जो शरीर के अनुसार चलते हैं कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा को नरक की ओर बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहता हूं हर वो तूफान, हर वो क्लेश, हर वो विपताएं जो आपको आत्मा से बढ़ने के लिए रोकती हैं, डिसमिस हो जाए यीशु के नाम से। मैं फिर बोलता हूं डिसमिस हो जाए यीशु के नाम। आमेन। आज परमेश्वर की पावर को आप देखो, सामर्थ को देखो जो आज तक नहीं देखी, अभिषेक को देखो जो आज तक नहीं देखा, प्रभु के वचन की शक्ति को देखो जो बहरों सुनने लाती है, जो देखने लाती है। उस कमाल को करो जो परमेश्वर के आत्मिक लोग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर जब हम देखते हैं हमें शैतान की ओर से फिर कर परमेश्वर की ओर चलना है, हमें बुरी भक्ति को छोड़कर परमेश्वर की सच्ची भक्ति की ओर फिरना, हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है, हमें खुदा के वचन की ओर बढ़ना है। और हमने ये आत्मा के द्वारा चलना है, और आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग जय पाएंगे। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। और आपको पता है कि खुदा ने आपके लिए इसी वचन के लास्ट शब्द में एक गिफ्ट रखा हुआ है, एक तोहफा रखा हुआ है। मैं चाहता हूं फिर से इस वचन को पढ़ें जरा। यस। तां जो तू उन्हां दियां अखां नूं खोल दे में, यस, पईयो अनेरे तो चानण दी बल, अते शतान दे वास्तों परमेश्वर दी बल मुड़न, हां, कि ओ पापां दी माफी, हां, अते उन्हां विच जो मेरे उत्ते निश्चा करके पवित्र होए हन, बिरसा पाउण। क्या पाउण? बिरसा पाउण। यहां पर लिखा है बिरसा पंजाबी में, और हिंदी में क्या लिखा है? मिरास। बोले मिरास, जो आपके लिए गिफ्ट है इस वचन के द्वारा, जो आपके लिए तोहफा है। अगर खुदा ने आपके लिए एक प्रॉमिस का गिफ्ट रखा हुआ है, क्या हमारी भक्ति उसको पाने तक है कि नहीं? हमने हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा चर्च आना, हमारा चलना एक मंजिल तक होना चाहिए, वो है मिरास। पंजाबी में विरसा लिखा हुआ है। मिरास का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, मिरास समझ रहे हो कि ना? विरसा, मान लो के हमारे जो दादे परदादे थे उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, और जब बिजनेस शुरू किया उनके पास कुछ नहीं था, थोड़ा सा पैसा था उसमें लगा दिया, और जब बिजनेस शुरू किया तो वो बिजनेस बढ़ने लगा। कितने लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं? आमीन बोले। आमीन। वो बिजनेस क्या हुआ? बहुत बढ़ गया, और इतना बढ़ गया, नौकर चाकर, कोठियां, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद बहुत बढ़ गई। और क्या हुआ कि आपके दादे परदादे की उम्र भी बहुत बढ़ गई, और जब उम्र बढ़ गई तो उम्र बढ़ने से उनकी डेथ हो गई, तो वह सब कुछ छोड़कर चले गए। तो आपको नहीं पता था हमारे प्यो दादिया ने हमारे लिए क्या छोड़ा था। आप उस वक्त छोटे थे,
आपको नहीं नॉलेज थी, धीरे धीरे आप बड़े हुए, जवान हुए, समझदार हुए, मैरिड हुए, और आपको नहीं पता था कि मैं इतना अमीर हूं। मेरे प्यो दादे इतने अमीर थे, मेरे पास इतनी दान दौलत, आपको नहीं पता था। और अचानक कोई आकर आपको कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, आपको आपके प्यो दादिया ने आपके लिए विरसा छोड़ा हुआ है, मिराज छोड़ी हुई है, तो वो कहेंगे वो क्या है, क्या होता है, आपको झटका लगेगा। हाँ, आपको वो बताएगा कि आपके पास इतनी दान दौलत है, आपके दादे परदादे के नाम है इतनी जमीन जायदाद है, तो आपको झटका लगेगा। हाँ, मेरे पास इतनी धन है, इतनी दौलत है। आपके लिए यीशु मसीह ने विरसा रखा हुआ है, विरासत रखी हुई है। आपके पास इतना बड़ा जीवन है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतना बड़ा स्वर्ग है। आपके लिए खुदा ने गिफ्ट रखा हुआ है, आपके लिए मिरास रखी हुई है, आपके लिए विरसा रखा हुआ है। क्या आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले, खुदा को पाने वाले, खुदा की मिरास को नहीं पाएंगे? बोलो यस पाएंगे, यस पाएंगे। आनंद से नहीं बोले आज, चेहरे पर खुशी नहीं आई, हमारी टीम के चेहरे तो मुजराए हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। यस पाएंगे। हाँ, आप बोलो शिफा चर्च की टीम, हम आपको देख रहे हैं, आपके चेहरे उड़े हुए हैं, आपके पास विरसा नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा? आप सारी कलीसिया कहो हमारी टीम को हालेलुया, और फिर टीम कहेगी यस, हमारे पास विरसा है, हमारे पास मिरास है, हमारे पास मिरास है। आपको नहीं पता आपके लिए गुप्त खजाने परमेश्वर ने कहां कहां रखे हुए हैं, आपके लिए गुप्त योजनाएं कहां कहां बनी हुई है। आमीन। आपको ऊंचा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए खुदा ने कहां कहां आपके लिए ब्लेसिंग का ढेर रखा हुआ है। परमेश्वर कहता है चलो पालो, चलो और ले लो, मुड़ो और ले लो, यू टर्न मारो और उधर चलो, खुदा की आशीष मिलेगी, खुदा के वरदान मिलेंगे। आमीन। एक पापा साडा शैतान भी है जिन्हें अपने लिए, अपने लोगों लिए मिरास भी रखी हुआ। ता? बोलो यह सर नो है कि नहीं, एक पापा वो भी आ जड़ा शैतान है, उन्हें भी मिरास रखी हुई है। हाँ, तो मैंने 100 में से 98% लोगों को देखा जो उसकी मिरास को लेने के लिए उतावले हो जाते हैं, शरीर की अभिलाषा को लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। जा जा चैन लेने के लिए, जा आराम लेने के लिए, जा शैतान की भक्ति करने के लिए, जा दुष्ट आत्मा में रहने के लिए, वो शैतान उनको शरीर की अभिलाषा में रखता है, चैन में रखता है। मगर मैं चाहता हूं कि आप शरीर को जीतने वाले लोग हों, पान करने वाले लोग हों, शक्ति परमेश्वर की आप में हो। हालेलुया। एक विश्वासी 10,000 विश्वासियों को विश्वास में लेकर आता है। अमीन। एक विश्वासी, अमीन। एक चलने वाला हजारों लोगों को अपने पे चलाता है। अमीन। क्योंकि वो मंजिल को देखकर चल रहे हैं। हाँ, शैतान हमें हमेशा गुमराह करेगा, क्लेश डालेगा, नूं नूं सस दे खिलाफ कर देगा, सस नूं दे खिलाफ कर देगा, भैण नूं भरा दे और भरा नूं भैण दे खिलाफ, और बैर पा देगा, इन्ना बैर पा देगा घर दे विच, इन्ना कलेश पा देगा कि तुसीं उहदे विचों उठे नहीं पाओगे। मैं चाहना है कि शैतान दीआं जिहड़ीआं योजनावां तुहाडे शरीर दे खिलाफ बहुत तेजी नाल वध रहीआं आ, अज परमेश्वर दे वचन दे द्वारा टुटण। हालेलुया, आमीन। शैतान दीआं योजनावां डिसमिस हो जाणी यीशु दे नाम विच। किद्दां होवेगा? जदों तुसीं आत्मा दी आवाज नूं सुण के चलोगे। इत्थे जिन्नी भी पिछे तो अगे तक कलीसिया ना, सारे
ये अज अपने जीवन दे विच फैसला लेकर जाओ कि असी हुण शरीर दे अनुसार नहीं आत्मा दे अनुसार चलना है। आत्मा नू असी परमेश्वर दे वल लेके आया, खिच के लेके आना है, अपने आप नू यू टर्न लेकर आना। जिहड़े यू टर्न मारदे आ उन्हां लई तोहफे आ परमेश्वर ने रखे हुए, मिरास रखी हुई है। धरती उत्ते तुसीं बलवान होवोगे, धरती उत्ते किसी भी गल की थोड़ नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। ना रहने दी, ना खाने पीने दी, ना किसी भी वस्तु दी परमिशन, मैं थानू थोड़ नहीं रखांगा। किसी भी प्रकार की घटी आपको नहीं रखूंगा अगर आप आत्मा से चल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो घर नहीं बनाए आप उसमें रहोगे, जो कोठी आपने नहीं बनाई ना उस कोठी में परमेश्वर आपको रखेगा। आमीन। हाँ, जो गाड़ी आपने नहीं खरीदी वो गाड़ी जलाओगे आप। आमीन। जो कुआं नहीं कूदा उसमें से पानी परमेश्वर पिलाएगा आपको। आमीन। परमेश्वर वहां पर बिठाएगा जो आपने मेहनत नहीं की, आपको ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया पलया पलाया मिलेगा। यहोवा का वादा है ये। आमीन। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परमेश्वर ने आपके लिए गिफ्ट रखे हुए हैं। आमीन। हमारे लोग छोटी छोटी चिंताओं को लेकर उसमें फंस जाते हैं। मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मुझे किसी ने कुछ कह दिया। हाँ, मैंने चर्च में भी देखा है, कलीसिया को भी देखा है। अगर आपसे ना कुर्सी ले ली गई, आपको बोला कि यह कुर्सी किसी और को दे दो, तो शरीर की ऐसा गुस्सा करते हो मैंने चर्च नहीं आना। अगर आपकी प्लेट गंदी है ना तो आप उस प्लेट में खाना नहीं खाओगे, मैंने चर्च नहीं आना। आप छोटी छोटी बातों में शरीर की अपने ऊपर हैवी होने देते हो, जबकि आप ये बात भूल जाते हो कि जो परमेश्वर की आपके लिए ब्लेसिंग रखी हुई है आप उसको छोड़कर जा रहे हो। इस स्टेज को जिसने छोड़ा ना वो आज पीछे चले गया है। हालेलुया। जो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं ना, शरीर की बातों पर मन लगाना, छोटी छोटी बात पर गुस्से हो जाना, नाराज हो जाना, बुरी बातें कर लेनी, चुगली कर लेनी, निंदा कर लेनी। मैंने एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, बाइबल में ये नहीं है, और एक कार्टून है, कार्टून मतलब बच्चों का कार्टून है। तो वो ऐसा व्यक्ति है कि जितने उसके अंदर चुगली निंदा पाप होता है ना तो उसका पेट फूल जाता है, इतना बड़ा पेट फूल जाता है। और जब तक किसी के कानों में वो बोले ना उसका पेट अंदर नहीं जाता। होता है कि नहीं ऐसा? जब तक वो किसी को बता ना दे, किसी के कान भर ना दे, उसका पेट अंदर नहीं जाता। हम ऐसे ना हो, जब तक किसी की बुराई करना दो हमें चैन नहीं आए, जब तक बुरी संगत में बैठना जो हमें चैन नहीं आए, जब तक बुरा खा पीना लो हमें चैन नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि जब खुदा के भवन में आप आते हो ना, यहां पर इस पुलपिट से देखो परमेश्वर का सेवक आपके लिए क्या प्रेर कर रहा है। आप उस सारी ब्लेसिंग को खोकर चले जाते हो जब आप छोटी छोटी बातों में फंस जाते हो। बहुत से लोग पंडाल में बैठते तक नहीं है, ये भी एक हमारा जो शरीर है ना हमें बैठने नहीं देता, वचन में बैठते नहीं है। इधर उधर घूमते रहेंगे, चर्च बाहर घूमते रहेंगे, कभी हलवाइयों के पास चले जाएंगे, कभी वहां पर देखेंगे हलवाई साहब ये पतीला साफ नहीं हैगा, आप धोते हो नहीं हैगे। हलवाई को नौकर लगा हुआ है, अगर आपको लगता है पतीला साफ नहीं है तो जाओ उठाओ और धूप में जाकर उसको साफ करो। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अगर आपको लग रहा है ना उधर घास कितना कितना बड़ा हो गया, बाद में देखते हैं, ओ बहने भी देखेंगे, भाई भी देखेंगे, अरे घास कितना बड़ा हो गया, इसमें स्प्रे कर देंगे, इसमें लेबर लगाकर निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, कुछ नहीं होगा। जब तक करेंगे नहीं, दाती उठाओ काटना शुरू कर दो। ये आत्मा की बातें हैं। शरीर हमें कहेगा चल कोई गल नहीं, बाद चो सेवका ने कट्टे देना का, बाद चो सेवादारा ने करना काम सारा।
कहने का मतलब हम चर्च में भी उलझन में पड़ जाते हैं, प्रभु की ब्लेसिंग को खो बैठते हैं। आज कितने लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर शरीर कमांड ना करे, शरीर के ऊपर आत्मा कमांड करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं योद्धा नु देखा, जोराबर इंसानों नु देखा, जेड़े आत्मा दे नाल चल दे आ। उनको शरीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो मिट्टी में भी बैठ कर ना परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो अपने आप को वो धन्य मानते हैं। मैं यहाँ पर साउथ इंडिया में यहाँ पर प्रचार कर आया ना, वहां पर छोटा सा चर्च था, लोग इतने थे, इतनी धूप में, उधर उधर आपको पता है साउथ इंडिया में इन दिनों में कितनी धूप पड़ती है, कितनी धूप, यहाँ की धूप वहां से दो गुना तीखी है। ऐसे झोंपड़ी बनी हुई थी चर्च में, 60-70 लोग अंदर थे, बाहर गली थी, गली साथ में मकान थे काफी, गली थी, उस गली में लोग बैठे थे 100-150 लोग, धूप में बैठे थे। अरे मैंने ये देखा कि जब तक पूरी वर्शिप, पूरा वचन, लास्ट प्रेयर तक नहीं हुई, वो लोग अपनी जगह को छोड़ा नहीं, उन्होंने धूप में बैठकर वचन को सुना। उनको पता है कि अगर हम शरीर को बोलेंगे यहां पर बैठ कर, शरीर को कंट्रोल में रखेंगे, तो उनको पता है हम आत्मा में बढ़ेंगे, आत्मा में हम योद्धे बनेंगे। हालेलुया। अपने शरीर को आरामदायक करने के लिए इतनी मेहनत ना करो, क्योंकि शरीर की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। अगर आत्मा में चलोगे तो शरीर भी आरामदायक बन जाएगा, ये वादा है परमेश्वर का। मेरी बात को समझ रहे हो या ऊपर से जा रही है? कमियां, कमी को कमी ना माने। अगर कमी को कमी मानोगे तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। अगर मैं परमेश्वर की सेवकाई में जब आया तो जब लोग मुझे हाथ मिलाते थे, आपको पता है जो लोग मुझे हाथ मिलाते थे वो जर्दा खा कर आते थे, वो लोग शराब पी कर आते थे, वो लोग नशा कर आते थे, वो लोग पाप चोरी कर कर आते थे, फिर भी मैं अपना हाथ उनसे मिलाता था। आपको पता हाथ मिलाने से उनकी लाइफ चेंज हो गई, चेंज हो गई उनकी लाइफ, बोलो आमीन। अगर वहां पर हम सोचते नहीं भाई तेरा हाथ तो जर्दे से गंदा है, मैं कैसे तुझको छूं, तो वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं चेंज होता, तो कभी वो जर्दों को नहीं छोड़ता, कभी वो पापों को नहीं छोड़ता। आप एक प्लेट को देखकर कह रहे हो ये गंदी प्लेट है, गंदी प्लेट है। अरे प्रभु के भवन में बैठा है तू, अगर गंदी प्लेट में तू खा भी लेगा ना, तू मरेगा नहीं जिएगा यीशु के नाम से। अगर आमीन बोल रहे हो तो ऐसा करना भी है। आमीन, बोलो आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा है तू हाथ धोते तो बिना खाना खा ले, तेरा मन शुद्ध होना चाहिए। आया कितने लोगों बाइबल दे विच पढ़ रहे हो कि नहीं? हाथ तो ही जा मानते हो कि नहीं बात? इसको सुहा से हाथ को साफ करते थे, गंदगी कभी जाएगी नहीं जब तक आप गंदगी को गंदगी कही जाओगे। गंदगी तब जाएगी जब गंदगी को आप हटाओगे, आप घोषणा करोगे कि मेरे फ्रेंड्स, दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली मेंबर जो पापों में है, गुनाहों में है, नशों में है, शैतानी बीमारियों में है, दुष्ट आत्मा में है, जादू टूने में है, परमेश्वर मेरा आत्मा कमांड करता है कि वह बदले, मैं उनके लिए मेहनत करूंगा, मैं उनके लिए फास्टिंग करूंगा, मैं उनके लिए बैठूंगा दुआ में, तो चेंज हो जाएगा यीशु के नाम। समझ रहे हो मेरी बात को? हालेलुया। और आज से अगर कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन आपको दिख रहा है, उसमें आपने उलझना नहीं है,
उसमें आपने स्पष्ट बाहर निकलना है। आमेन, हालेलुया। यू टर्न मारना है, चेंज होना है। आज से जिधर आप जा रहे थे, जिसमें आप खून पसीना बहा रहे थे, उसमें से अपना मन मोड़कर परमेश्वर की ओर, वादे की ओर, उस मिरास की ओर। मिरास मतलब गिफ्ट परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, अच्छा जीवन, अनंत जीवन, भरपूर आशीषों का जीवन। परमेश्वर कहता है कि मेरे पीछे चलने वाले लोग अंधकार में नहीं चलेंगे, आपको ब्राइट जीवन देगा। आप दूसरों की गाड़ी को देखकर कहते हो, यार ये गाड़ी मेरी भी होगी कभी, देखकर कहते हो ये कोठी होगी कभी, आप दूसरे की चीज को देखकर कहते हो कि मेरी भी होगी कभी, कहते हो कि नहीं? यस सर नो, कहते हो कि नहीं? फिर यस छोटा सा क्यों, दांतों में क्यों बोला? यस यस कहते हो कि नहीं? आपकी हो सकती है कि नहीं? यस छोटा है, आपकी हो सकती है कि नहीं? यस। क्या परमेश्वर के पीछे उस मिराज तक पहुंचने के लिए आपको भिखारी बनकर जीना पड़ेगा? आप गरीबी में रहो, परमेश्वर यह चाहता है। आप हमेशा मांगते रहो, परमेश्वर यह चाहता है। आप शारीरिक बीमारियों में रहो, परमेश्वर यह चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप राज्यों के समान जिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका उठना बैठना बेस्ट लोगों के साथ हो, आपका खाना पीना बेस्ट लोगों के साथ हो, आपका रिलेशनशिप बेस्ट लोगों के साथ हो। वो कब बनेगा? जब आप आत्मा में भरोगे, शरीर की बातों को कमांड करोगे, परमेश्वर बेस्ट स्थानों पर आपको पहुंचाएगा और बेस्ट लोगों के साथ आपका खाना पीना होगा, आपका रिलेशनशिप होगा और बहुत से ऐसी चीजें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उन लोगों के द्वारा परमेश्वर मुहैया कराएगा। आपके लिए वो केस लड़ेंगे, आपके लिए वो लड़ेंगे, आपको जताने के लिए, क्योंकि आप आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं। बोलो आमेन, आमेन। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको आत्मा के द्वारा चलाएगा, शरीर को ऐसे ही भूखा मरने देगा। परमेश्वर कहता है बेस्ट टेबल मैं आपको दूंगा, यीशु के नाम से बेस्ट दान दूंगा। थक गए हो? मैं चाहता हूं कि मिरास तक पहुंचिए। परमेश्वर ने धर्मियों लोगों के लिए मिरास रखी हुई है, गुप्त खजाने रखे हुए हैं, गुप्त योजनाएं रखी हुई हैं, गुप्त सीक्रेट प्लान रखे हुए हैं। कब उसको हम पा सकते हैं? परमेश्वर से उल्ट चलकर पा सकते हैं? बोलो, जब परमेश्वर की ओर चलते हुए हम पा सकते हैं, जब खुदा की ओर चलते हो तब पा सकते हो। यस सर नो, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर वो भी बातें प्रकट करेगा, खुलासा करेगा, जो आज तक खुलासा नहीं हुई, जो दफन हो चुकी थी। आपके प्यो दादा ने क्या क्या आपके लिए पाया था, खुलने वाला है यीशु के नाम से। हमारे प्यो दादे कौन है? बोलो यीशु मसीह। यीशु ने आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है। आमीन। घबराने की, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हम देखते हैं, जब लोग ऑनलाइन देखते हैं ना, किसी भी पादरी कोई भी प्रार्थना करता है और उसके लिए अपना रिक्वेस्ट डाल देते हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो। हाँ, एक सिस्टर प्रे कर रही है, मेरे लिए भी प्रे कर दो, मेरे लिए भी प्रे कर दो, मेरे लिए भी प्रे कर दो, मेरे घर के लिए प्रे कर दो, ये पादरी आया इसके लिए भी मैं भी प्रेयर करवा लूं, मैं भी प्रेयर करवा लूं। परमेश्वर आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए गुप्त खजाने रखे हुए हैं, जहां तू जुड़ा हुआ है, जिस सभा में तू आ रही है, आ रहा है, वहां तेरे लिए ब्लेसिंग की प्रेयर हो रही है, सिर्फ आपने रिसीव करनी। आमीन। बार बार मांग के परमेश्वर को भी शर्मिंदा मत करो। कहेगा इनको विश्वास ही नहीं है कि मैं दूंगा। हाँ, चलो, परमेश्वर कहता है कि पहले अपने आप को स्ट्रांग कर, अपने आप को आत्मा में स्ट्रांग कर। मेरा एक चर्च, मेरा एक अगुआ, मेरा एक परमेश्वर, मेरा एक मन, एक चित, मेरा जीना मरना परमेश्वर, मैं खुदा की ओर बढ़ती हूँ,
और परमेश्वर तेरे लिए भंडार खोल देगा, किसी बात की कमी नहीं रहने देगा। ताड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। जो लोग भटकते हैं ना, वो भटकते ही रहते हैं। परमेश्वर हमें विरसे में एंट्री कराना चाहता है। विरसा निराश है हमारे लिए। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आमीन। जब मैं आपके लिए स्पेशल प्रेयर करूं, अपने आप को खाली कर कर आगे आना और शरीर की बीमारियां परमेश्वर निकालेगा और परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती देगा, रिपोर्टें बदलेगा, चेंज डायरेक्शन, यू टर्न मारोगे आप, परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आप देखोगे जिस गांव से, जिस शहर में, कहीं से भी आप जहां पर रहते हो ना, वहां पर आपको नीचा किया गया, आप डाउन हो, आप बहुत छोटे हो, आपको कोई जानता तक नहीं है, आपका कोई नाम गांव वाला भी नहीं जानता कि आप किसके लड़के हो, किसकी लड़की हो। हो सकता है आपकी कोई पहचान नहीं है, आपको कभी किसी ने नहीं देखा, आप गरीबी के नाम पर जाने जाते हो, श्रापित इंसान हो, बीमार इंसान हो। और मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर वही गांव से, वही शहर से आपको खड़ा करने जा रहा है। आपका बोलबाला होगा, आपका नाम सारे लोग जानेंगे। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। बिग क्राउड आपके नाम को जानेगा, बहुत से लोग आपके नाम को जानेंगे, बहुत से लोग परमेश्वर के नाम से आपको जानेंगे, खुदा की प्रेजेंस से आपको जानेंगे। आप क्रिश्चियन हो, परमेश्वर के लोग आपको जानेंगे। कितना अद्भुत नजारा होगा वो, बोलो हालेलुया। मेरा जो गांव है ना, मुझे नहीं कोई जानता, पूछ भी लेना। अगर आप वहां पर पादरी करके बोलोगे ना, क्रिश्चियन करके बोलोगे, तब वो जानेंगे, यस यस है। अगर सुखविंदर सुखविंदर करोगे तो बोलेंगे कौन, 10 लोगों से पूछेंगे कौन, कहां, की, कदा। पर अगर यीशु मसीह का नाम लोगे तो उसी समय पहचान लोगे। ऐसा परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, हालेलुया। और इसलिए अपने आप को तैयार करें और अपने आप को प्रार्थना में आगे बढ़ाएं। और परमेश्वर चाहता है कि जो मिरास आपके लिए रखी हुई है, फिर बोलो मिरास, गिफ्ट, वो हमारा है, हमने उसकी ओर देखकर चलना है। शरीर को कंट्रोल में करो। अगर संडे आप छुट्टी कर खुदा के भवन में आओगे ना, मैं आपको 7 संडे देता हूं, 7 संडे, 7 एतवार देता हूं, बोलो 7 एतवार, 7 संडे, 7 संडे आपके लिए। अगर आप बिजनेस को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर, अपनी दिहाड़ी को छोड़कर प्रभु के भवन में होंगे ना, तो आत्मा संडे आपके लिए वो करेगा जो आप सोच नहीं सकते। विरसा परमेश्वर आपको देगा, मिरास परमेश्वर आपको देगा। मिरास केवल बच्चों की नहीं होती, मिरास परमेश्वर की बरकत की भी होती है, आशीष की भी होती है, धन की भी होती है, स्वर्गीय तंदुरुस्ती भी होती है। इसलिए मिरास चाहिए तो बोलो 7 एतवार मैं तुझसे वफादार रहने जा रहा हूं। बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे पता? क्योंकि आप वफादार नहीं रहने जा रहे। अगर कोई वफादार रहेगा तो मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए, यीशु मसीह के नाम से 8वां एतवार टेस्टमनी के लिए होगा। आमीन। 7 एतवार आपके लिए भक्ति के होंगे, आराधना के होंगे, स्तुति के होंगे, भजन गाने के होंगे, वचन सुनने के लिए होंगे, प्रार्थना करने और करवाने के लिए होंगे। 8वां एतवार टेस्टमनी के लिए होगा। आमीन। 8वां संडे आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। आपके पास बाइबल है? बाइबल उठाओ, अपनी बाइबल उठाओ, अपने हाथों में लो बाइबल, उठाओ बाइबल जरा। और हमने जो चैप्टर निकाला हुआ है रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम, उसका 26 का 18 वचन,
और उसके नीचे जो स्पेस है, जो थोड़ा सा स्पेस है ना, उसमें लिखो सेवन संडे मैं वफादारी से परमेश्वर तेरे पीछे चलने जा रहा हूं। लिखो लिखो अपनी अपनी बाइबल पर, लिखो लिखो बाइबल पर ही लिखना है, बाइबल पर ही, डायरी पर नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओके, जिन्होंने लिख लिया प्रभु का धन्यवाद। ये मैं इसीलिए लिखा रहा हूं ताकि आठवें एतबार जब आप इस मंच पर टेस्ट मनी लेकर आओ, गुवाही लेकर आओ अपनी, अपने सुधरे हुए जीवन को, नॉर्मल फोटो को, और आप अपनी बाइबल अपने साथ में लेकर आ सको। समझ रहे हो कि नहीं? जो मैं आपके लिए बोल रहा हूं परमेश्वर ऐसा ही करेगा, आपने सिर्फ वफादारी दिखानी है। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं फिर से कहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 26 का 18 वचन, उसके नीचे जो स्पेस है वहां पर लिखो कि हम सेवन एतवार, सेवन संडे वफादारी से चलेंगे और कोई भी संडे मिस नहीं करेंगे, और आठवां संडे आपके लिए टेस्टमनी का कारण बनेगा। बोलो, मेरी टेस्टमनी बनने जा रही है, मेरे घर की टेस्टमनी बनने जा रही है, मेरे बच्चों की टेस्टमनी बननी, मेरे बिजनेस की, मेरे पैसे की, मेरी दुकान की, मेरी फाइनेंस की, मेरे खेतों की, पशुओं की, परमेश्वर टेस्टमनी बनाने जा रहा है, परमेश्वर टेस्टमनी बनाने जा रहा है। जितनी गर्मी है उतना बड़ा हालेलुया होना चाहिए। आपको पता है कि जब कलीसिया चिल्लाती है ना, देखो आप अगर अकेले चलाओगे हालेलुया, अकेले चलाओगे तो शैतान देकर हंसेगा, आपकी फैमिली से शैतान देकर हंसेगा, दुष्ट आत्माएं जादू टूने हंसेंगे कि हमें निकाल नहीं सके। मगर जब हम मिलके परमेश्वर की ग्रेस से भरकर जयकारा लगाते हैं तो जरीहो की दीवारें भी टूटती हैं। जब हम जयकारा लगाते हैं परमेश्वर का तो बंधन श्राप टूटते हैं। और मैंने देखा कई रसौलियों को रिमूव होते हुए, मैंने देखा कई पत्थरियों को रिमूव होते हुए, गिल्टियों को रिमूव होते हुए, पैरालाइज को रिमूव होते हुए, गुप्त रोगों को रिमूव होते हुए, हर शैतानी चीजों को रिमूव होते हुए, जब हम जयकारा लगाते हैं यीशु का, आपका जयकारा ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया, वाओ, आनंद से भर जाओ कलीसिया, आनंद से भर जाओ कलीसिया, आनंद से भर जाओ, आपका छुटकारा आपके करीब है, आपकी गुड न्यूज आपके करीब है। बोलो आमीन। और यू टर्न लेकर आओ। हमने कहां से शुरू करना है यू टर्न? बोलो कहां से शुरू करना है, एक जन भी बोलो, मैं बाद में बताऊंगा कहां से शुरू करना है। कोई भी बोलो, कहां से बदलाव शुरू करना है आपने? आज और अभी से बोल रहे हैं, इसका मतलब अगर आज से शुरू करना है तो हम कहां पर हैं? बोलो, अगर आज से आपने बदलाव शुरू करना है, यूटर्न मारना है, शैतान की भक्ति को छोड़कर, पापों को छोड़कर प्रभु की ओर बढ़ना है, हमने अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है, तो हमने कहां से शुरू करना है? भाई बोलते हैं आज और अभी से। आज और अभी आप कहां पर हो? आवाज नहीं आ रही, कहां हो? बोलो कहां पर हो? यार क्या बात है शंदरपाल जी, खाना नहीं है आज? खाना है आज? खाना है आज? हाँ जी, ठंडा पानी भी है आज, सिर्फ आवाज नहीं है हमारे अंदर। हम कहां पर हैं? राजा दाऊद गाकर कहता है मैं प्रभु के भवन में हूं। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता हो? सोने दिया मैं लाना लो, मैं लाना लो, चंगाए तेरे ही पवन बिच बास होवे, चंगाए तेरे ही पवन बिच बास होवे, सोने दिया मैं लाना लो,
राजा दाऊद गा के कह रहा है असि ऐसे नहीं बोले असि कि बदलाव कितों शुरू होने जा रहा है कहो खुदा दे भवन दे विचों अज बदलाव इथों असि शुरू करना है इथे असि अपनी एक्टिविटी अपना खाना पीना रहना बोलना चलना सारी कलीसिया ने चेंज करना है अगर इथों चेंज होंगे तो तुसी घर च समाज च विलेज च पिंड च शहर च हर जगह ते परमेश्वर थानू बदलिया होया देखेगा हालेलुया और परमेश्वर बदलिया होया देखेगा अते जो बदलिया होया आ ओदले असह है ओदले गिफ्ट है परमेश्वर दे कोलों बोलो आमीन इसलिए आज से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देंगे मैं आपके लिए आज स्पेशल प्रेयर करूंगा आपको आगे बुलाकर वन बाय वन कर और आज जो भी परफेक्टिक शब्द आपके आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए बोलने जा रहा है वो उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए अगर मैंने बोला तो होगी तो हो जाएगी अगर आपके काम बनेंगे तो बनेंगे अगर आपका विश्वास संपूर्ण हुआ तो झूले टूट जाएंगे जूहे टूट जाएंगे परमेश्वर का राज आपके द्वारा बढ़ेगा रब अशादा लबाथे केरे बेबे बे कितने लोग समझ रहे हैं हालेलुया बोलो शैतान तुहारा हुआ है दुष्ट आत्माएं हारी हुई हैं बीमारियां तुहारी हुई हैं गरीबी तुहारी हुई है श्राप हारे हुए हैं जो लोग आपको चर्च में आने तक रोकते हैं आप हारे हुए हैं ऊंची बात से बोले हारे हुए हैं हम जीते हुए हैं हमने अपना मन आज बदल दिया है हमने अपना देखना बदल दिया है अपना खाना पीना बदल दिया है परमेश्वर हमें बरकत दे रहा है परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर रहा है परमेश्वर हमें बदलाव में लेकर आ रहा है हम मुड़ रहे हैं सात संडे हमारे लिए प्रभु में चलने के लिए होगा प्रभु में चलने के लिए होगा और आठवां संडे मेरी गवाही का कारण है मैं रिसीव करती हूँ मैं रिसीव करता हूँ ऐसा ही परमेश्वर करेगा और उसके बाद जीवन भर मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा जीवन भर परमेश्वर के पीछे चलूंगी बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया एक बार फिर से फ्राइडे को आप फास्टिंग में रहेंगे शुक्रवार को फास्टिंग का दिन है और ऑनलाइन मीटिंग में आपने अपनी प्रार्थना को रिसीव करना है और 19 और 20 तारीख को इसी मंथ में दो दिन की जो महान सभा होने जा रही है उसके लिए रेडी हो जाएं अपने आप को तैयार करें नेक्स्ट संडे उसके लिए पोस्टर बन जाएंगे और प्रार्थना के साथ इस मीटिंगों को हम एंजॉय करना है तैयार हो के नहीं और याद रखें जब ये अनाउंसमेंट होती हैं तो उसमें स्पेशल स्पीच स्पेशल प्रेयर और स्पेशल परमेश्वर के दूत स्पेशल अनुग्रह लेकर आते हैं आमीन कोई नहीं बोला आमीन खुश हो के नहीं yes. ये मीटिंगें करनी चाहिए कि नहीं ये शुभ समाचार की मीटिंगें ड्रिवलेंस मीटिंगें छुटकारे की सभाएं शिफा चर्च में दो दिन की होने जा रही हैं ये रात की सभा होगी और कोई भी किसी भी प्रकार की किसी ने टेंशन नहीं लेनी आने जाने की आ सकते हो अगर आप रात को वापस जाना चाहते हो तो आपके लिए आपने पहले अपना खाना है और बताना है हमारी टीम को ऑन द स्पॉट अगर आप बोलोगे हमें छोड़ कर आओ ऐसे करो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा मगर पहले से हमारी टीम को अपने बोलना है और रात को यहाँ पर रुकने के लिए भी अच्छा प्रबंध होगा भाई बहन यहाँ पर भी रुक कर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं वर्शिप कर सकते हैं दो दिन यीशु के लिए हालेलुया हालेलुया दो शाम प्रभु के नाम हालेलुया और मैं चाहता हूँ फुल फैमिली के साथ फुल कलीसिया के साथ हम यहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंट को देखेंगे आमीन हालेलुया हालेलुया अगर कोई इस मीटिंगों के लिए तीन दिन की फास्टिंग रख सकता है शुक्रवार शनिवार और संडे आने वाले
ये 3 दिन फास्टिंग आप रख सकते हो, व्रत रख सकते हो सिंपल इस 2 दिन की मीटिंग के लिए। हालेलुया हालेलुया। व्रत रख सकते हो, प्रेयर कर सकते हो 2 दिन की मीटिंग के लिए, 3 दिन का फास्टिंग होना चाहिए। तैयार हो के नहीं? हालेलुया हालेलुया। हम प्लान करेंगे, अगर कुछ बच्चों का भी प्रोग्राम हो सके प्लान करेंगे, और नेक्स्ट संडे इसके लिए अनाउंसमेंट की जाएगी। पोस्टर सब जाएंगे नेक्स्ट संडे तक, पोस्टर आपको दिए जाएंगे अगले संडे। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट संडे परमेश्वर के नाम में हम पवित्र प्रभु भोज भी लेंगे। आमेन आमेन। प्रभु भोज समझते हो क्या है? प्रभु का भोज, परमेश्वर जो हमें भोज देता है, प्रभु का लहू और मांस। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है ना, वो प्रभु भोज के बिना रह नहीं सकते। वो प्रभु भोज ले, प्रभु भोज के बिना मत रहे। वो डेंजर सो आप प्रभु भोज के बिना आप। इसलिए नेक्स्ट संडे प्रभु भोज का इंतजाम किया जाएगा और आप परमेश्वर के नाम में प्रभु भोज को ले सकते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, एक भी प्रभु भोज वो मिस मत करें। बोलो आमेन आमेन। इस मीटिंग के लिए आप प्रेयर में रह सकते हो, और 19 और 20 तारीख को रात की सभा के लिए, और शुक्रवार और शनिवार और एतवार की फास्टिंग प्रेयर के लिए आप रेडी हो सकते हो। आप प्रार्थना में जा सकते हो ताकि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में आपको बहुत ब्लेस करे। रेडी हो के नहीं? Yes. जोर से आमीन बोलें। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रभु के घर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए भेंट देने से पहले अपने आप को ऐसे तैयार करें कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम अपने धन से भेंट देंगे। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने बीज को बीजें और आपका बीज आपके लिए फसल को पैदा करे। आपका बीज आपका धन आपके लिए धन को पैदा करे। और इस समय बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में अपनी भेंटों को अपने हाथों में लें, हाथों में लेकर परमेश्वर की ग्रेस से उसे ब्लेसिंग के साथ प्रभु के भवन में बीजें। थैंक यू जीसस। आइए हम भेंट पाने का समय आ। सब जन अपने अपने हाथों के अपने भेंट न अपने दशवांशों लैन गए, और जिन्हें मेरे भैन भाई ऑनलाइन इस प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी अपनी भेंट न शिफा चाच मिनिस्ट्री में सेंड कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का राज बधे, परमेश्वर की धार्मिकता बधे। इस प्रार्थना दरम्यान इस तो बाद अपना परमेश्वर के भवन के अपनी भेंट तो बीजांगे। आइए आप सब प्रार्थना करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, असी तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडा शुक्रिया करते मेरे महान परमेश्वर पिता। प्रभु जी सचमुच मेरे महान परमेश्वर पिता, जिन्हें लोग मेरे महान पिता परमेश्वर, ये भैन भाई मेरे महान पिता परमेश्वर जी, अपने नेक कमाइयों के मेरे महान पिता परमेश्वर, तुहाडे भवन दे विच मेरे महान पिता परमेश्वर, और जिन्हें ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, सचमुच अपन भेंटा द्वारा अपने दशवांशा द्वारा पिता परमेश्वर अपन भेंटा बीजन जा रहे हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। सचमुच मेरे महान पिता साड़ी दुआ या साड़ी प्रार्थना पिता, ये पिता परमेश्वर की भेंट इन्होंने सचमुच इन्होंने दशवांश मेरे महान पिता तुहाडे स्वर्ग राज विच कबूल होने मेरे महान पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी सचमुच इन्होंने बीजने द्वारा मेरे महान पिता परमेश्वर इन्होंने घर सचमुच थोड़ी आशीष से बरकत ठहर सके मेरे महान पिता परमेश्वर, इन्होंने रुके हुए काम बन सकन मेरे महान पिता परमेश्वर, सचमुच इन्होंने बीमारियां जान जा सकन मेरे महान पिता परमेश्वर जी, और सचमुच इन्होंने बीजन के कारण पिता परमेश्वर इन्होंने घर इन्होंने परिवारों में थोड़ी वही आशीष से बरकत मिले मेरे महान पिता। असी थोड़ा धन्यवाद करते हैं पिता, इन्होंने बीजने के कारण थोड़ा राज बदे मेरे महान पिता परमेश्वर, थोड़ी धार्मिकता बदे मेरे महान परमेश्वर पिता। असी सबना गलों थोड़ा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं मेरे महान पिता। ये दुआ नूं प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा ते सामर्थी नाम विच अधीन होके मंगते हैं। आमीन।
Good.
धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद प्रभा शादा थे किरे बे बे बे। हालेलुया बोले जरा, जिंदा हालेलुया बोलो जरा, हालेलुया। जो आशीष देने वाला हालेलुया बोलो जरा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहोवा की शक्ति आप पर आए, और आज स्पेशल मैं चाहता हूं डिलीवरेंस मीटिंग है, डिलीवरेंस परमेश्वर करना चाहता है। चाहे गंदी आत्माओं ने आपको घेर रखा है, चाहे किसी श्राप या पाप ने आपको घेर रखा है, चाहे किसी भी शैतानी बीमारी ने आपको घेर रखा है, दुष्ट आत्मा ने घेर रखा है, कर्जे ने घेर रखा है, और आज परमेश्वर डिलीवरेंस करने जा रहा है। मैं बोलता हूं आजाद करने जा रहा है। आमीन। रबथा लबशदा रबथे केरे बे बे बे। राइट, इसी समय होली स्पिरिट की सामर्थ खुले। रबशदा लबथे केरे बे शुद्ध रूपोथे केरे बे। रबशदा लबथे केरे बे बे बे। आइए अपने स्थान को छोड़े, अगर आप आगे आ सकते हो आगे आ जाएं यीशु के नाम से, और जैसे हमारी टीम खड़ा करती वैसे खड़े हों। और मैं चाहता हूं कि स्पेशल ले हैंड प्रार्थना को रिसीव करने के लिए, स्पेशल डिलीवरेंस को रिसीव करने के लिए, अगर आपको डिलीवरेंस की आजादी की जरूरत है तो आप आगे आए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। अगर बहने ज्यादा आना चाहते हैं, भाइयों की साइड पिछली साइड हो जाए, भाइयों की साइड पिछले साइड में हो जाए भाइयों की। अगर मैं अगर कह रहा हूं तो ऐसे करो। सबके लिए हम प्रेयर करेंगे, आज स्पेशल प्रेयर है, और परमेश्वर स्पेशल प्रेयर में स्पेशल डिलीवरेंस देता है हमें। देखो मुझे नहीं पता जो आपके अपने थे, अगर आपकी ब्लेसिंग के कारण वो बन रहे हैं, परमेश्वर थोड़े समय के लिए उनको आपसे दूर कर दे। एक एक वर्ड्स को परमेश्वर के सुने, एक एक शब्द को परमेश्वर के सुने। रबशदलबथे के रेबे रिबेशा दलबा। जिनको डिलीवरेंस जरूरत है, स्पेशल डिलीवरेंस मीटिंग है आपके लिए। थैंक्स। अपने हाथ उठाएं प्रभु के लिए। शुक्रिया, तारीफ। लेफ्ट योर हैंड। प्रभु की लहू की बूंदे आपके माथे पर आए। प्रभु के लहू की बूंदे आपके माथे पर आए। रिबेशा दलबा थे रिबेबे। मैं चाहता हूं प्रार्थना में चले, जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं करें। Hallelujah। जो आप अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना कर सकते हैं करें। Hallelujah। मगर मुंह को चुप नहीं रहने देना। अगर आप डिलीवरेंस चाहते हो अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, आप अपने खुद की, तो अपने मुंह को खोल कर प्रार्थना कर रहे हो। परमेश्वर आपके मुंह को भर रहा है, और मैं आत्मा में देख रहा हूं जो आपके फैमिली में श्राप चल रहे हैं, आपकी बॉडी में श्राप चल रहे हैं, जो जादू टूने चल रहे हैं, जो शैतानी काम चल रहे हैं, आज प्रभु की शक्ति से उखड़ गए जाएंगे। आमीन। जाएंगे मैं बोल रहा हूं। आमीन। रिबे शादा लबथे के रिबे शुद्र भो। चिल्लाने वाले आशीष पाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। चिल्लाने वाले आशीष पाएंगे, मैं बोलता हूं। चिल्लाने वाले आशीष पाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। रबे थलब शादा रबा थे कि रिबे बे बे। और बहुत से लोगों को मरे हुए उनके सपनों में आकर उनको तंग करते हैं, चाहे वो सुसाइड कर मरे थे, चाहे कुछ गलत मेडिसिन लेकर मरे थे, चाहे वो जलकर मरे थे,
और परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवरेंस दे रहा है, आजाद कर रहा है यीशु के नाम से, आजाद कर रहा है यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु की आत्मा की शक्ति आप पर ठहरे, आमीन। आत्मा की सामर्थ्य ठहरे, हालेलुया। आमीन। प्रभु इन हाथों को सामर्थ्य देता कि जिनकी ओर बढ़े वो ब्लेस हो जाएं, हालेलुया। वो आजाद हो जाएं, डिलीवरेंस पाएं यीशु के नाम से, हालेलुया। रे बेशा तलबते के रे, मैंने कहा आत्मा से शरीर को कमांड करो, शरीर मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैं तेरी गुलाम नहीं हूं शरीर, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मुझे आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ब्लस कर दिया है और मेरी ब्लसिंग को कोई चुरा नहीं पाएगा, मेरी ब्लसिंग को कोई चुरा नहीं पाएगा, मेरे उद्धार को कोई चुरा नहीं पाएगा, मेरी गुड न्यूज को कोई चुरा नहीं पाएगा, मेरी चंगियाई को कोई चुरा नहीं पाएगा। परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर है, कहो परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर है, प्रभु के वचन की पावर मुझ पर है, पावर मुझ पर है। मैंने देखा लोगों ने बहुत मखौल उड़ाया आपका, आप गरीबी में दिन काट रहे थे, उस कलेश में दिन काट रहे थे, आपके बेटी आपके बेटे आपके आज्ञाकारी में नहीं थे, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, आपके काम नहीं बनने थे, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, आज भी मजाक उड़ेगा, मगर आपका नहीं है, दुष्ट आत्माओं का, आपका नहीं, दुष्ट लोगों का। मुंह पर परमेश्वर उनके, परमेश्वर मुंह के ऊपर उनके अपना लहू लगा रहा है ताकि वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। तीन बार बोले, बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। हालेलुया। आपकी डिलीवरेंस यहीं रुकी हुई थी, जो चिल्लाता उनको चिल्लाने दो, जो गिरता उनको गिरने दो। जो जैसी एक्टिविटी कर रहा है, जैसा उनका शरीर आत्मा उनको करा रहा है, करने दो। जो चिल्लाता उनको चिल्लाने दो, जो गिरता उनको गिरने दो, जो आजाद होता उनको आजाद होने दो। पावर 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 पावर, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। यहां पर कोई भी अकेला जीते ना, बल्कि सब जीते यीशु के नाम से। मैं एक गुड न्यूज को नहीं देख रहा हूं, हर एक फैमिली के लिए परमेश्वर के दूतों को देख रहा हूं उतरते हुए। वो जिब्राइल फरिश्ता आ रहा है यहां पर, जिब्राइल फरिश्ता आ रहा है, और वो कहता है ना डर, मैं तेरे लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। जिब्राइल फरिश्ता है यहां पर, फरिश्ते को अपनी आत्मिक आंखों से देखो, फरिश्ते को देखो, जिब्राइल फरिश्ते को आंख को देखो, सामर्थ को देखो, अभिषेक को देखो, मजा को देखो, और शैतानी चीजें जल जाए, परमेश्वर की अभिषेक की आ जाए, मजा आ जाए, आजादी आ जाए परमेश्वर की। आपकी ताली ऊंची होनी चाहिए यीशु के लिए, हाथों को उठाकर ताली होनी चाहिए, हाथों को उठाकर इसका वॉल्यूम कर दियो, हाथों को उठाकर प्रभु की ब्लेसिंग के लिए ताली होनी चाहिए। यह ताली आपकी जीत की है, यह ताली डिलीवरेंस की है, यह ताली आजादी की है, यह ताली गुड न्यूज की है, यह ताली शैतान को हराने की है, यह ताली आगे बढ़ने की है, यही ताली विदेशों के काम बनाएगी, यही ताली आपको मजबूर करेगी, आप ब्लस हो जाओ। आमीन। ऊंचा होना चाहिए मेरी बेटी, अभिषेक से पढ़ो, अभिषेक ना पढ़ो, अभिषेक ना पढ़ो, परमेश्वर दे अभिषेक ना पढ़ो, मसा ना पढ़ो, मसा ना पढ़ो, मसा ना पढ़ो, अपने दिल नु पिघला दो, अपने मन नु कठोर ना करो,
पिघला दो अपने शरीर नु ढिल्या छड़ दो। आत्मा दी आवाज सुनो, आत्मा दी आवाज सुनो, आत्मा दी आवाज सुनो, आत्मा दी शक्ति पाओ, आत्मा दी शक्ति पाओ, आत्मा दा अभिषेक पाओ, आत्मा दी आवाज, आत्मा दी आवाज, आत्मा दी आवाज, आत्मा दी आवाज, परमेश्वर दे आत्मा दी आवाज, पवित्र आत्मा दी आवाज, पवित्र आत्मा दा मसा, पवित्र आत्मा दा मसा, पवित्र आत्मा दा मसा, पवित्र आत्मा दा मसा, लो पर जो पवित्र आत्मा दे नाल, लो पर जो पवित्र आत्मा दे नाल, लो पर जो पवित्र आत्मा दे नाल, प्रभु दा आत्मा थानू देख रहा है, प्रभु दा आत्मा थानू देख रहा, मेरे भरा डोंट वरी, मेरी भैन परमेश्वर कह रहा ना डर, ना घबरा, ना घबरा, ना घबरा, ना डर, ना डर, परमेश्वर कह रहा ना डर, ना डर, ना डर, ना डर, ना डर, ना डर, परमेश्वर कह रहा ना डर, मैं तेरे नाल हां, मैं तेरे नाल हां, परमेश्वर कह रहा मैं तेरे नाल हां, ना डर, ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हां, मैं तेरा परमेश्वर हां, तेनू पंखा हेठ छुपा रहा हां, तेनू अपनी दया हेठ लेकर आ रहा हां, ए बेशादा लाबा थी करे बे अरे बे 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 शादाराबा 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 रखा थला ओरे बेले बे ओरो भोशे धरे बे रखा थले बे रखा ओरे बे शादारा बेले बे रबा शादालाबा ओ रबा लबा रबा 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 रे बे शादाराबा थला बारे खे धरे बे 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 देखो डिलीवरेंस हो रही है, आजादी हो रही है। अज तो बाद तुसी कमांड करोगे आत्मा ना भर के, तुसी हुक्म दोगे शरीर चलेगा, शरीर दे गुलाम नहीं तुसी, आत्मा दे गुलाम हो तुसी, आत्मा दे नाल भर के शरीर नू चलाओगे। परमेश्वर कह रहा मैं शरीर दिया सारिया इच्छावां नू तोड़ रहा है यीशु दे नाम दे विच। रबा थला बादा रबा तुहाडियां डायरेक्शन बदल रही हां, तुहाडे जूहे टुट रहे हैं, मैं देख रहा जूहे टूट रहे हैं, जेड़े थोड़े गलियां च पटे पायो सी शैतान ने, थोड़े परिवार नू बन्निया सीगा, थोड़े जवान बच्चा नू बन्निया सीगा, वो पटे टूट रहे हैं यीशु दे नाम विच, थोड़े पैसे नू जमीना नू पशुआ नू जो शैतान ने बन्निया था पटिया दे नाल, अज वो टूट रहे हैं यीशु दे नाम दे विच, टूट रहे हैं यीशु दे नाम विच, ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वे टूट रहे हैं। मैं चाहता हूँ रसीव करो यीशु के नाम से, और कलीसिया रसीव करो, रसीव करो जूहे टूटे, रसीव करो जूहे टूटे, बीमारी के जूहे टूटे, कर्जे के जूहे टूटे, श्राप टूटे, श्राप टूटे, शैतान तो हमारे पैरों के नीचे है, हमें जीत देने वाला परमेश्वर है, अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, ये केस हम ही जीतेंगे, परमेश्वर ने मोर लगा दिया, तुसी आजाद हो यीशु के नाम दे विच। You are free now. Amen. You are free now. Amen. You are free now. Amen. Ore bele be ta karaba. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. धन्यवाद Holy Spirit. Thank you Jesus. सुनिए ध्यान से. सुनिए ध्यान से. रब शद्दला भाई एक हाथ आपको स्पष्ट करता जाएगा। अभी याद रखें, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मजाक में खड़े हैं सीरियस खड़े हो जाएं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आप जब मैं बोलूंगा आप तब अपनी आंखों को खोलना, आपकी आंखों के आगे एक हाथ आप देखने जा रहे हो, एक हैंड को देख रहे हो, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर आए, एक हाथ को देख रहे हो आप। और मुझे पता है बहुत सी बहनें भाई अपनी शरीर की आंखों को बंद कर कर एक हाथ को देख रहे हैं, एक हैंड को देख रहे हैं,
एक हाथ आपके आंखों के आगे है और हाथ के बिल्कुल मिडल में, बीच में आप कुछ पढ़ रहे हो, वहां पर कुछ लिखा हुआ है, आप कई फोटो को देख रहे हो, वहां पर कई तस्वीरों को देख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने घर की तस्वीर देख रहे हैं, जा किसी न्यू घर की तस्वीर देख रहे हैं, या किसी व्हीकल को देख रहे हो आप, वहां पर कुछ शब्द लिखा हुआ, शब्द लिखा हुआ है वहां पर, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है। आप हाथ के सेंटर में देख रहे हो, आप देख रहे हो वहां पर ऐसे संग लिखा हुआ है, संग, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, और साथ में लिखा है ना डर। देखो देखो कितने लोग देख रहे हैं ये बातें, जिनको हाथ दिखाई दे रहा है, केवल बोलो, जिनको हाथ दिखाई दे रहा है वो अपने सर के ऊपर हाथ रखें, जिनको हाथ दिखाई दे रहा है और उसके मिडल में सेंटर पर कुछ लिखा है, कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो लोग अपने सर के ऊपर हाथ रख लें, अपने सर के ऊपर हाथ रखें जिनको एक हाथ दिखाई दे रहा है। हाथ नूं तुसी देख रहे हो ते वो हाथ दे बेचली पासे थानू कोई तस्वीरां दिखाई दे रही हैं और इस तरह दिखाई दे रहा लिखा ना डर। जिन्हां नूं ऐदां दिखाई दे रहा, जिस भी भैण भाई नूं, वो अपने सिर दे उत्ते हाथ रखो। एक बार फिर से प्रभु का हाथ यहां पर है, यस लॉर्ड। ध्यान से देखो, शरीर की बातों को छोड़कर आत्मा के हाथ को देखें, यस, वन बाय वन कर आपको दिखाई दे रहा है, अपने सर के ऊपर हाथ रखें। जिन जिन को दिखाई दे रहा है वो अपने सर के ऊपर हाथ रखें, और लोग रखेंगे, और लोग इस अनुग्रह को रिसीव करेंगे, और लोग परमेश्वर चाहता है कि इस दर्शन को देखें। मैं चाहता हूं मेरी आवाज अगर आप समझ रहे हो, एक हाथ दिखाई दे रहा है वहां पर, एक हाथ जलाली हाथ है, वो परमेश्वर का हाथ है, वो उसमें आपको बहुत सी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उसमें कुछ लिखा दिखाई दे रहा है, अपने सर के ऊपर हाथ रखें। वो जो तू देख रही है तेरे लिए वही हो जाए। देख रही है तेरे लिए वही हो जाए, वही हो जाए। प्लीज टच होली स्पिरिट। जो परमेश्वर तुझे दिखा रहा है तो रसीव कर तेरे लिए रहते स्पेशल अनुग्रह तुझे परमेश्वर दे रहा है। प्लीज टच, प्लीज टच। आप आगे आए थे
परमेश्वर से हटा रहा है, परमेश्वर से हटा रहा है, परमेश्वर हटा रहा है। मैं बोलता हूँ तेरे आंसुओं को परमेश्वर देख रहा है, तेरे गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर कहता है आज से तू आजाद है। प्रभु तेरी जान करते हैं, इवन स्पिरिट करा दे नीचे। राइट बात करें परमेश्वर से, बात करो प्रभु से। प्रभु कहता है तेरे बहुत करीब हूं। जितनी महिमा में करोगे उतना परमेश्वर आपको बढ़ेगा। लो तेरे देश तैयार से शादी में परमेश्वर साफ कर रहा है, कहता है कि मेरे मानने वाले बंदूरे नहीं है, तेरे घर में आशीष है। शैतानी शीटे खून के जाते हुए देख रहा हूं मैं, प्रभु का ब्लड आ रहा है, रिसीव करो। लो प्रभु की शक्ति हमें और बुद्धि मान बनाते हैं। ले ले परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है, ले तेरे जीवन में मिराकल हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, रसीब का डिलीवरेंस हो रही है तेरे। Right now. जो दिख रहा है परमेश्वर तेरे लिए वैसा करेगा। अभिषेक से भरो, प्लीज टच। आप अपने जीवन में एक छुटकारे को देख रहे हो।
एक आजादी को देख रहे हो, गुड न्यूज को देख रहे हो, एक आग को देख रहे हो, सामर्थ को देख रहे हो, अभिषेक को देख रहे हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद को लेते धन्यवाद के प्रभाशा दलाबाद देख के लिए। मैं चाहता हूं कि आठ लोग जो केवल आज एक स्पेशल लेवेंट की सम्मत को रिसीव करना चाहते हैं, सिर्फ आठ लोग जो कहते हैं कि मैं आत्मा में बढ़ूंगी बढ़ूंगा, मुझे परमेश्वर आज लूट दे, मुझे वरदान दे आज, सिर्फ आठ लोग मैं चाहता हूं। अगर बढ़कर आ भी गए तो आठ लोगों को ही गिफ्ट मिलेंगे, वो कौन हो सकते हैं परमेश्वर जानता है। मैं चाहता हूं वो आठ लोग जल्दी से रस्सी के पीछे आए, वो आठ लोग जो आत्मा में सिर पड़ना जल्दी से ओके बस लोगों को परमेश्वर चुन रहा है। और मैं आत्मा में देख रहा हूं ये आठ प्रकार के फ्रूट हैं, आठ प्रकार के वरदान हैं, ये आठ प्रकार के सामर्थ है, ये आठ प्रकार के तोहफे हैं जो आत्मा में हैं। मेरे साथ जो लोग आगे आए हैं वो लोग चुप रहने वाले ना हो, अपने मुंह को खोलने वाले हो, आग उनके मुंह से निकले, आग आए, मैं बोलता हूं आग आए, क्योंकि आपको नहीं पता आप में से जितने आगे आए हैं आप में से आठ लोग हैं जो आग को रिसीव कर रहे हैं। ये संसारिक आग नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा की आग है। आमेन। आप इसको खरीद नहीं सकते, आप इसको बेच नहीं सकते, ये वरदान परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखे हुए हैं, अपने लोगों के लिए रखे हुए हैं, लोगों के लिए रखे हुए हैं। ये बहुत मेहनत कर हमें मिलते हैं, मगर आज परमेश्वर हमें दे रहा है। फायर होली स्पिरिट आग आई तुझ पर, प्लीज टच होली स्पिरिट, नेम ऑफ जीसस। रबा बाबा शुद्ध रबो, मुंह को खोलो, इस समय परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ तुझ पर है, अभिषेक तुझ पर है, मसा तुझ पर है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे भविष्यवक्तों के समान इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे लोगों के जीवन की बातों को बताऊंगा, मैं तेरे मुंह को बरकत से भर रहा हूं, तू कल की बातों को देखेगा और फैसले करेगा यीशु के नाम से, रिसीव कर यीशु के नाम से। थका रबा। चलो मुंह को खोल कर, मेरे हाथ रखने से पहले आपका मुंह खुला होना चाहिए। प्रभु की प्रेजेंट से भरो, प्रेजेंट, वो जी उठने की प्रेजेंट से भरो, परमेश्वर की शक्ति से भरो। चलो बोलो, मुंह को खोलो। आप साधारण लोग नहीं है जो आगे आए हैं, अगर साधारण होते तो आप आगे नहीं आते, अगर आप साधारण होते तो आगे नहीं आते। यू आर बेस्ट पर्सन। फायर होली स्पिरिट। अगर आप में से आठ लोग साधारण होते तो परमेश्वर आपको ना लेकर आता, आप बेस्ट लोग हो, इसलिए परमेश्वर आपको आगे लेकर आया है। Amen.
आप में से प्रेयर करने वाले लोग होने वाले हैं, प्रचार करने वाले लोग होने वाले हैं, भूतों को निकालने वाले लोग होने वाले हैं, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले लोग होने वाले हैं, दूसरों को आशीष देने वाले लोग हुए हैं, दूसरों का भला करने वाले लोग हैं, प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, वरदानों से भरने वाले लोग हैं, दुष्ट की ताकत को रौंदने वाले लोग हैं, अपने पैरों से रौंदोगे। मैं चाहता हूँ अपने पैरों को हिलाओ और रौंदो शैतान को, रौंदो शैतान को, हिलाओ हिलाओ पैरों को, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, अपने पैरों से दुष्ट आत्मा के कामों को रौंदो यीशु के नाम से। यू आर द बेस्ट पर्सन, परमेश्वर ने आपको चुना है। चलो 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 चलो, आत्मा से भरकर, आत्मा से भरकर, आत्मा से भरकर, आज डिलीवरेंस हो रही है, आज तरक्की आ रही है। जो पैर नहीं हिला रहे वो परमेश्वर की सेवा कब कर पाएंगे? और पैरों से रौंदो शैतान को, पैरों की जंजीरें टूट रही हैं। आपको नहीं पता, सुनिए, आपको नहीं पता कि आपके पैर हिलने से आपकी फैमिली की जंजीरें टूट रही हैं, बंधन टूट रहे हैं। आप जहां पैर हिलाए हो प्रभु वहां पर काम कर रहा है, अब बहुत आगे बढ़ने वाले हो। ये एक दास की भविष्यवाणी है आपके लिए। आप में से 8 लोग चुने जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होंगे। आप में से 8 लोग बरकत पा रहे हैं और ये खुदा के दास की भविष्यवाणी है, इसको कोई रद्द नहीं कर पाएगा। आप पहले जादू टूनों को देख के डरते थे, अभी ठुड्डे मारोगे यीशु के नाम से, निकालोगे भूतों को। कोई भूत की ताकत आप पर प्रबल नहीं होगी, कोई कलेश, कोई दुष्टात जादू टूट पर मरोहर की रूहें आप पर हावी नहीं होंगी, क्योंकि आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आजाद कर दिया है। इससे पहले कि हम टेस्टमनी के लिए जाएं, आज के अभिषेक के लिए अपने मुंह को खोल कर कहें धन्यवाद यीशु, और अपनी अपनी जो आपने भविष्यवाणी को रिसीव किया उसको रिसीव करो चिल्लाकर, आमीन बोलकर। उल्टियां आ रही हैं बहुत से लोगों को, डिलीवरेंस हो रही है, गुप्त रोग हट रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने बोला एड्स है प्रभु ने चंगा कर रहा है, ब्लड के रोगी चंगे हो रहे हैं, दमे के रोगी चंगे हो रहे हैं, मिग जो पैरालाइज है परमेश्वर उनको हीलिंग दे रहा है, जिनको दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, प्रभु की सामर्थ्य उनके लिए खुल रही है, अभिषेक खुल रहा है, अभिषेक खुल रहा है, मसा खुल रहा है। आमीन। मैं चाहता हूँ शरीर को कहो मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु की आराधना में बढ़ने जा रही हूँ। शरीर को कहो, शरीर को कहो कि मैं तुझे कमांड करता हूँ प्रभु की आराधना कर, प्रभु की स्तुति कर, मैं तुझे कमांड करता हूँ, मैं तुझे कमांड करता हूँ। इसराइल के घराने पर कोई जादू टूना काम नहीं करेगा। यस लॉर्ड। आप कनेक्शन परमेश्वर काट रहा है बुरे लोगों से, आपके कनेक्शन काट रहा है दुष्ट आत्मा से, आपकी संगति काट रहा है दुष्ट आत्माओं से, कनेक्शन परमेश्वर काट रहा है। आज से आप डिफरेंट होने जा रहे हो, आज से आप डिफरेंट होने जा रहे हो। शिफा चर्च में आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आप परमेश्वर की ग्रेस को देखेंगे। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग शरीर के रोगी थे अपने आप को चेक करें, अपने आप को हिलाएं, झुककर देखें, चलकर देखें, आंखें देखो क्लियर हो चुकी है, कान क्लियर हो चुके हैं, गले क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की आशीष को देख रहा हूं। अपने आप को गवाही के लिए लेकर आऊं, अपने आप को टेस्टमनी के लिए लेकर आओ, कहें आमेन, फिर से कहें आमेन। टेस्टमनी सुनते हैं प्रभु की महिमा के लिए, जल्दी से लेकर आओ। मैंने कहा नहीं कि आप पीछे जाओ, क्योंकि अभी अभी आपके लिए बरकत है यहाँ पर। ओके, बोलो बोलो बोलो, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग जेम्सी की पर्सरी एंड ऑल द एक्लेसियल जेम्सी की पर्सरी इस पैंड का नाम संतोषा अते टकारला तो बिलोंग कर दिया। इन्हें टेस्टमनी बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें दी जिंदगी दे विच बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया, हालेलुया। ये पैंड दस दिया कि 3 to 4 महीने पहला
इन्हों का जो पेट खराब हो गया तो इन्हें लूज मोशन लग गए। ये भैन दस दे कि 3-4 दिन लगातार इन्हों लूज मोशन लगे रहे। ये दस दे कि जदों भी कुछ खाते सी जबकि पानी भी पीते सी उस वक्त इन्हों का पेट खराब हो जाता और इन्हों वॉशरूम जाना पैंता। भैन दस दे कि एक जॉब भी करते जिदा ही जॉब पर आते इन्हों का फिर उतने पेट खराब हो जाता तो कहते कपड़े भी खराब हो जाते इसलिए अपनी जॉब भी नहीं कर सकते। इन्होंने मेडिसन ली और मेडिसन खाधी बट मेडिसन के नाल कोई फर्क नहीं पिया। हले लुइया। भैन दस दे कि शिफा चर्च मिनिस्ट्री काटगढ़ चाड़ा नाल बहुत टाइम तो जुड़े हुए हैं बट घर की समस्या होने कारण इन्हों तो प्रॉपर चर्च नहीं आ होया अते इन्हां ने प्रभु जी दे दास जी नूं रेवरेंड सुखविंदर जी नूं कॉल कीती अते दस्या कि पास्टर जी लगातार 3-4 दिन तो मेरा पेट खराब आ अते मैं जदों भी कुछ खांदी आ मैनूं उसे वक्त लैटरिंग आ जांदी आ। पास्टर जी ड्राइविंग कर रहे सी अते पास्टर जी ने कहा कि तुसीं 2 मिनट रुको मैं तुहाडे लई प्रेयर करदी आ करदा आ। ये पिंड दस दिया कि पास्टर जी ने सिर्फ 2 लफ्ज़ां दे विच इन्हां लई प्रार्थना कीती अते प्रभु ने इन्हां नूं ऑन द स्पॉट चंगा किया। ये भैन दस दे उस प्रार्थना तो बाद ये बिल्कुल ठीक हो गए। उस तो बाद इन्होंने जो भी खाता पीता इन्होंने हजम होना शुरू हो गया। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। ठीक हो बहन? अभी उसी वक्त ठीक हो गया था? हाँ जी, उसी वक्त जब प्रेयर हुई। हाँ जी। कहो हमारा प्रभु अमेजिंग है। जो नहीं बोल पाए वो भी बोले हमारा प्रभु बोला अमेजिंग है। अमेजिंग है। एक बार फिर से कहें हमारा प्रभु अमेजिंग है। वो ऑनलाइन प्रार्थना भी सुन लेता है, फोन की पर की गई प्रार्थना को सुन लेता है। और प्रभु से क्या चाहिए? प्रभु तो सिर्फ चाहता है कि आप तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करो। ਉਹ ਆਪਕੋ ਆਸ਼ੀਸ ਦੇ ਆਗੇ ਬੜਾਈ। ਯੈਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆ। ਬੋਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਈ ਔਰ ਘਾਹ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਬਟ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਈ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਘਾਹ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਸਾਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਸੀ ਹਰਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। पढ़ ले यीशु ने मेरी लेट हो गया अभी आपकी बाँ नहीं पढ़नी है, अभी और किसी की बाँ पढ़नी है। यस हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आगे बढ़ाओ। yes, अगली टेस्ट मनी ले करो जल्दी से जल्दी से। ओके ओके बोलिए जल्दी से। यस हालेलुया। पास्टर जी, इस भैन का नाम परमजीत कौर है ते बलाचौर शहर तो बिलोंग करते हैं। ये दसते हैं कि इन्हां दे नाल दे पिंड तो एक भैन जो इन्हां नूं जानदी सी उन्हां दे बेटे ने बाहर जाना सी ते दसते हैं कि उन्हां नूं 10,000 रुपए की लोड़ सी, उन्हां कोल नहीं सी ते वो इन्हां कोल आए पैसे लैण दे लई ते इन्हां ने किसे कोलों 10,000 रुपया लैके उन्हां नूं दित्ता। ते दसते हैं कि इन्हां ने उन्हां नूं कहा कि ये पैसे 10 दिनों के अंदर उन्हां नूं वापस कर दिते जाण, पर 2 महीने हो गए सी उन्होंने कोई पैसा वापस नहीं किया सी। ते जदों ये उन्हां कोलों पैसे मंगते सी तां उन्हां नूं धमकियां दिंदे सी ते इन्हां दे गलत इल्जाम लगांदे सी ते पुलिस दे गलत धमकियां दिंदे सी। फिर ये दसते हैं कि इन्हां ने ये फैमिली काफ़ी समय तो शिफा चर्च मिनिस्ट्री काठगढ़ नाल जुड़े हुए हैं ते इन्हां ने पिछले समय दे विच पास्टर जी रैव सुखविंदर जी द्वारा हुई भविष्यवाणी कि जिन्हां दे रुके हुए पैसे ने वो
वापस मिलन जा रहे ने उसनु बाय फेथ रिसीव किया ते इन्हां ने दासी कोलों परमेश्वर दी दासी कोलों प्रे करवाई ते उसनु बाय फेथ रिसीव किया है। दसदे हन कि कल ही उन्होंने इन्हां दे सारे पैसे वापस कर दिते ते नाल ही 2000 रुपया ब्याज भी इन्हां नू वापस कर दिता ते परमेश्वर दी महिमा दे विच इस अगवाई नू दे रहे हन ते परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हन। आमेन हालेलुया हो गया। मैं ते यीशु तेरे नाम दा दीवाना हो गया, तेरे प्यार विच तेरा मस्ताना हो गया, तेरे प्यार विच तेरा मस्ताना हो गया। मैं ते यीशु तेरे नाम दा दीवाना हो गया, मैं ते यीशु तेरे नाम दा दीवाना हो गया, मैं ते यीशु तेरे नाम दा दीवाना हो गया, मैं ते यीशु तेरे नाम दा दीवाना हो गया। ओके प्रभु आशीष दे आपको ऐसे ही आजाद करता जाए। और अगे तो पैसे देने लेना थोड़ा या केयरफुल न करया करो सारे, सही है कि नहीं? बोलो यस हालेलुया। और बहुत से लोग कहते कुछ है करते कुछ है ना, इस करके केयरफुल। बाइबल में लिखा है पैसा जो है फसाद की जड़ है। हालेलुया। अगर पैसा ज्यादा आ गया ना संभाला नहीं जाता तो चर्च की शेड डाल दो, स्वर्ग में धन मिलेगा, सही है कि नहीं? Yes. मिल जाएगा कि नहीं? Yes. अगर नहीं संभाला जाता तो कोई बात नहीं, किसकी गारंटी भी ऐसे मत उठाओ, क्योंकि गारंटी जब हम लेते हैं उस वक्त कुछ और होते हैं, जब फिर वापस करना होता है फिर और होते हैं। इंसान एक अपने चेहरे पर एक मुकुटा पहने हुआ है, समझ रहे हो ना, एक बेस बेस उसका और है और अंदर और है। इसीलिए परमेश्वर की महिमा में अपने आप को चलाएं और धोखा ना खाएं ना धोखा दें। इस बार तो 10,000 मिल गया क्योंकि भविष्यवाणी की प्रार्थना को रिसीव किया था, सकते हो, सही है कि नहीं? इसीलिए धन का धोखा धन का लोभ लालच नहीं करना है और ना ही ऐसे बंदों की गारंटी उठानी है जो धोखा देते हैं। ओके लिखा है प्रभु के लिए दे दो पूरा हो जाएगा। चलो ताली बेस्ट होनी चाहिए। हाँ जी बोले टेस्टमनी बोले यस हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी इन्हां दी टेस्टमनी बहुत ग्रेट आ ते बहुत बिग आ। ए सिस्टर दा नाम सलोचना आ जो कि कलार तो बिलोंग करदे आ। इन्हां दी गवाही इन्हां दे भूआ दे बेटे दी आ जो कि किसी काम तो घर वापस जा रहा सी, रास्ते दे विच जांदे उन्हां दा अचानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इन्ना भयानक होया कि उन्हां दी जिहड़ी मैंबरी सी ओह लॉस हो गई, ज़्यादा से उन्हां दी चली गई, ओह अनकॉन्शियस पेशेंट बन गया सीगा। ए सिस्टर दसदे आ कि ओह किसी नूं भी पछाणदा नहीं सी, जो भी कोई उन्हां दा फैमिली मैंबर सी उन्हां नूं भी ओह पछाणदा नहीं सी। ए सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान सीगे। ए सिस्टर दसदे आ कि मैं पास्टर रैवस सुखविंदर जी तों सारी अपनी गलबात दसी उन्होंने रिगार्डिंग उन्होंने तो प्रेयर कराई। प्रेयर कराने तो बाद सिस्टर दसते आ कि जो अपनी फैमिली नू पछाण भी नहीं सकता सी वो आज पछाण रहा है, तो बेटा बिल्कुल ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। चलो जबरदस्त ताली होनी चाहिए। प्रभु उनको आशीष दे और आगे बढ़ाए। और भी गवाही है जिस तरह उनका सुभाव लड़ाई झगड़े वाला हो जाता सी, कुते कपड़े पाड़ देंदे सी, बहुत ज्यादा इन्हां प्रॉब्लम का फेस करना पैंदा सी। इह सिस्टर दस रही है कि मैं पास्टर रैब सुखविंदर जी नाल सारी गल बात की, उन्होंने दसिया अपनी मदर के बारे। पास्टर जी ने उन्हां दी पिक मंगाई, पिक ते इन्हां दी प्रेयर कीती। ए सिस्टर दसदे आ कि जिहड़ी मेरे पदर डिप्रेशन दे विच जा चुके सी हुण बिल्कुल ठीक है। प्रभु दा धन्नवाद करदे आ। आमीन आमीन। चलो ताड़ी होनी चाहीदी जोरदार। बां फड़ लई यीशु ने मेरी बां फड़ लई, बां फड़ लई
अपने हाथों उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया पास्टर जी एंड ऑनलाइन क्लीसिया एंड ऑफलाइन क्लीसिया इस माता का नाम परमजीत कौर अते भल्लियां तो बिलोंग करते हैं परमेश्वर ने इन्हां दी जिंदगी दे विच बहुत ही वड्डा चमत्कार किया ए माता दसदी आ कि इन्हां दे खब्बे हाथ विच तीन सालों तो एक गड्डी सी गुट दे विच जो कि काफ़ी समय तो रड़कती सी ए माता दसदी आ कि इन्हां ने कोई मेडिसन नहीं ली कोई दवाई नहीं ली जदों भी पास्टर जी प्रोफेसी करते सी कि गटियां जा रही गिल्टियां जा रही ये रिसीव करते सी अते मसा किया होया ऑयल नॉइंटिंग ऑयल चर्च तो लेके अपने ते लगांदे सी हालेलुया ये माता दसदे आ कि वह जिहड़ी तीन साल की लगातार गटी सी वह इन्हां दे हाथों हुण बिल्कुल गायब हो चुकी आ इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आमेन कितना साइज था साइज क्या था गटी का साइज क्या था इसको एडा साइज दसदे आ साइज कितना था उधर कैमरे में ऐसा करो कितना उधर इतना बड़ा साइज था कहाँ पर था कहाँ पर अभी है बात नहीं है नहीं गैब हो चुका है यस कदो गैब होया है 15 दिन हो गया तो पर नु हो सी एक गवाही लिखी सी नहीं दूजी लिखनी सी आज लिखी पे ओके जो एक गवाही दित्ती सी मैं क्या दूजी भी गवाही दोगे परमेश्वर दे नाम दे विच खुदा ने इन्हां नु चंगा कीता इन्हां दे हाथ दे विचों जिहड़ी गिल्टी सी ओ उड़ गई बोलो उड़ गई सारे बोलो उड़ गई उड़ गई इतने मुश्किलां तुहाडियां उड़नियां जिहड़े उच्ची जिहड़ी बोल रहे आ उड़ गई उड़ गई यीशु सुनिया दुआ मां मेरिया जल्दी से यीशु माता दस दे आ कि असी फ्राइडे एक व्याह तो वापस आते सी शुक्रवार बाइक ते अते अपने ध्यान च बिल्कुल बैठे सी मन च प्रेयर कर रहे सी भैन दस दे माता जी दस दे आ कि पिछों एक भाई बाइक लेके आया अते इन्हां दे विच उहने आके बाइक मारी ये दस दे आ कि समेत फैमिली असी गिर गए बट प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि विचकार सड़क से हाईवे रोड से गिरे बट परमेश्वर ने इन्हों संभालिया इन्हों से कोई भी सट चोट नहीं लगी इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आमेन आमेन चलो ताली बजाए अगली गवाही लेकर ग्लोरी टू गॉड ठीक है अभी कोई सट चोट नहीं लगी सी ठीक है हूँ चलो ठीक है फिर ताली बजा दो जबरदस्त यस आमेन हालेलुया हालेलुया टेस्टमनी सुनते हैं यस बोले हालेलुया सारी कलीसिया नु जैमसी दी ऑनलाइन कलीसिया नु भी जैमसी दी इस भाई का नाम अवतार सिंह है ये चन्याणी खुर्द बलाचौर तो बिलोंग करते हैं अते भाई दसदे हैं कि मैं 4 जून 2023 फस्ट टाइम इस कलीसिया विच शिफा चर्च भवन दे विच आया सी इस दसदे हैं कि मैं थक गया सी बहुत परेशान सी मेरी जीवन दे हालात ऐसे सी कि मैं एक तो एक एक बार तो यह समझा कि मैं मर जाना चाहिए है लेकिन जदों ये परमेश्वर के भवन के शिफा चर्च भवन के आए तो इन्हों मुश्किलों का हल परमेश्वर के दास दी प्रार्थना द्वारा होया दसते हैं पास्टर जी कि इन्हों 10 साल तो स्पर्म काउंटिंग की प्रॉब्लम सी और धात की प्रॉब्लम सी और इन्हों भुख भी नहीं लगती सी शरीर के बहुत प्रॉब्लम सी जिस करके इन्हें शरीर को खाधा पीता भी लगता नहीं सी सो परमेश्वर दी दास दी प्रार्थना के द्वारा लगातार आते रहे ये दसते हैं कि पिछले संडे परमेश्वर के दास ने कहा सीगा प्रोफेसी की थी कि अपने टेस्ट कराओ और थोड़े टेस्ट नॉर्मल आन जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम च और इसी तरह इन्होंने टेस्ट कराए लीवर के टेस्ट कराए स्पर्म काउंटिंग के टेस्ट कराए और इन्होंने जिहड़ा एक मेन टेस्ट होंदा है हारमोन टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट वह कराया जिस विच उसकी वैल्यू होनी सी 1.75 तो लेके 7.81
काउंटिंग सैल्स होंगे है जो हारमोनिक टैसट रोते होंगे है वह इन्हों के बद के 3.21 आए हैं जो कि इन्हों जीवन के दसते हैं कि वह कदे नहीं होए पहला भी टैसट कराए थे लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना रिसीव कर द्वारा इन्हों के जोड़े सैल है वह बिल्कुल बिल्कुल सही होए हैं और लीवर के इनफेक्शन के सैल जोड़े है भुख नहीं लगती सी वह भी बिल्कुल नॉर्मल होए हैं और ये दसते हैं कि ये जोड़े टैसट मैं हाल ही हमने ही कराए हैं तो यह टैसट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं ये परमेश्वर के दास आ और परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करते हैं यस मसीह का धन्यवाद करते हैं क्या अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं हालेलुया हालेलुया बोलकर खड़े हो जरा हालेलुया हालेलुया आपको नहीं पता कि ये जो बेटा है कितना खुश है 12 साल से ये धक्के खा रहा था कितने साल से 12 साल से दवाइयां ले रहा था वैद्यों के पास जा रहा था चेलों के पास जा रहा था जहां जहां भी इसको भेजा ये गया खुद गया पैसा भी खराब किया मगर जो बीमारी थी वो बढ़ रही थी इनकी गुप्त जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ रही थी घट नहीं रही थी अभी इनके पास एक वाइट कार्ड होगा है पहला व्हाइट कार्ड बनाया था पास्टर जी लेके नहीं आए घर भूल गए व्हाइट कार्ड मैं चाहता हूँ नेक्स्ट संडे लेकर आओ टेस्ट रिपोर्ट सारी ले आनी है टेस्ट रिपोर्टें हैं मैंने कहा था कि अभी कितने संडे हो गए आते हुए तो छह संडे विशेष संडे आते हुए इनको होगा अभी छह संडे हो गया आपकी रिपोर्ट बदल गई अभी कब तक चलना है प्रभु के पीछे सारी जिंदगी हाँ जी क्या मेरा जीना मरना प्रभु आ जीना मरना प्रभु ही नाम है जी जिन्हें मैंने चंगा किया जे मैं चंगा कर लग रहा प्रभु की शक्ति हाँ हैगी है हाँ जी हाँ जी शिफा चर्च घर दे विच प्रभु की शक्ति लग रही है हाँ जी हाँ जी हाँ जी बड़े धक्के खाते थे बहुत ज्यादा दुखी सी मैं थोड़ा परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करता जी चलो कि तुम प्रार्थना मैं ये दुखों को दूर किया बहुत ज्यादा दुखी सी जी मैं धक्के खा है मैं धक्का गया जी लखा रुपया बर्बाद किया जी मैंने चीज कभी भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई नहीं सर बिल्कुल नहीं हाथ उठा सकते हो प्रभु के लिए हाथ उठा सकते हो प्रभु के यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला 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 ओके हालेलुया याद रखें जो ये बेटा है ना अपनी टेस्टमनी लेकर आया और कई बार बहनों को गुप्त रोग होता है वो शर्माती हैं कि हमने टेस्टमनी नहीं देनी बेटे शर्माते हैं मगर देखो खुदा ने इनकी 12 साल की बीमारी दूर की है 12 साल से जो इनकी रिपोर्टें डॉक्टर कहते थे कभी नहीं चंगा होगा जब जो मेरे पास पहली बार आया ऑफिस में समा लेकर मिलिया तो इनकी आंखें ना एक दर्द से भरी हुई थी थक गया था मगर परमेश्वर ने इनकी थकावट को दूर किया आमीन हालेलुया हालेलुया ये एक बड़ा चमत्कार है Thanks, और ये चमत्कार इसीलिए है ये बेटा क्यों यहाँ पर खड़ा है ना ताकि इसकी गवाही के जरिए आप लोग जानो कि यीशु मसीह असंभव काम को संभव में बदल देता है आमीन हालेलुया हालेलुया मैं चाहता हूं कि इस बात के लिए शर्माना नहीं बल्कि लोगों को खुल्लम खुला बताओ ये मैं ऐसे बीमार था यीशु ने मुझे चंगा किया हालेलुया मैं ऐसे बीमार था यीशु ने मुझे चंगा किया सब जगह फैला दो प्रभु का नाम मैं बहुत ज्यादा बीमार था मैंने यीशु जी ने चंगा किया मैं बहुत ज्यादा धक्के खाधे 8-10 साल मैं इन्ने ज्यादा धक्के खाधे मैनू पर ही एक एक दिन किदा घटे रो रो के मैं बहुत हर पास जिथे गया मैं सारे पास ऐसे मैं दुखी हो गई जी घर आया निराश हो के आया आखिर नूरा साढ़े चर्च भवन परमेश्वर जी मैं यीशु जी का तो उन्होंने दास जी का बहुत दिलों धन्यवाद करता कि अज मेरी जिंदगी मैं इन्ना गुजारा दुखी सी मैं तुम्हें दस नहीं सकता मैं इन्ना गुजारा खुश है इस टाइम कि पहली बार मेरी रिपोर्टें इन नॉर्मल आईया तो मैं जीना चाहता हूँ पहला मैं मरना चाहता सी क्यों क्योंकि मैं किसी दस भी नहीं सकता अपना दुख बारे क्योंकि मजाक उड़ाते से तो दुख बहुत ज़्यादा मैं बद गया सर मैं हम कुछ कह नहीं सकता मेरे को लफ्ज़ नहीं है जो इन्होंने मैं धन्यवाद कर सकता जी प्रभु दा आमीन आमीन कहो
यीशु सुनिया दुआवां मेरियां देखो ये बेटा सुसाइड करने की ओर जा रहा था, मरने की ओर जा रहा था, हाँ, मगर पर अभी क्या बोलकर गया कि मैं जीना चाहता हूं अभी, क्योंकि यीशु की ओर चलने वाले परमेश्वर की ओर चलने वाले जीवन को पाते हैं। जो बैठे हैं खड़े होके हमारे महाराज यीशु मसीह जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो चंगा करने वाले है, जो मौत को जिंदगी में बदलने वाले हैं, उसके लिए जिंदा ताली होनी चाहिए। आमेन। एक और टेस्टमनी सुनते हैं प्रभु की महिमा। यस बोले। हालेलुया। हालेलुया। पासी इस सिस्टर की टेस्टमनी बहुत ही ग्रेट है। ये सिस्टर बता रहे हैं कि पिछले 1 वीक से इनके माउथ में मुंह में गर्मी की वजह से ना जाने कैसे कुछ खाने पीने की वजह से शाले हो गए थे, और ये बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत सी मेडिसिन ली, और जब जे आज सुबह मॉर्निंग शिफा चर्च भवन में आए वर्शिप कर रहे थे तो इन्हें ऐसा फील होने लगा कि जैसे इनकी टंग है वो दांत में लगकर कट हो गई है, और इनकी जीभ पर भी शाले हो गए हैं और मुंह में स्वेलिंग होने लगी है, और ये फिर वचन में बैठ गए। जैसे ही वचन आपने सुनाया कि शरीर आत्मा पर हावी नहीं होगा, जो भी दुष्ट आपको शरीर द्वारा गुमराह कर रहा है कि आपको ये बीमारी लग गई है, ये हो गया, वो हो गया, आप उनको डांटे, इन्होंने वचन के बीच चलते हुए जो इनको फील हो रहा था कि ऐसे हो चुका, इन्होंने उस पे बिलीव नहीं किया, इन्होंने परमेश्वर के वचन पे बिलीव किया, और जैसे इन्होंने परमेश्वर के वचन को पहल दी उसको डांटा, और जैसे ही फिर आपने इनके सिर के ऊपर हाथ रखकर ले हैंड प्रेयर की तो सचमुच हीलिंग और डिलीवरेंस मीटिंग के साथ इनकी हीलिंग हुई, और अब जो इनको टंग लग रहा था कि कांटों भर चुकी है शालों से वो बिल्कुल ठीक है, और उनका जो गला फील हो रहा था कि उसमें शाले हो चुके वो भी बिल्कुल ठीक है, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आमेन। ताड़ी ऊंची होनी चाहिए यहोवा के लिए। मेरे नाम तो शान वाले बने जाइए, चंगा करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. और ऐसे ही आपको आगे बढ़ाए। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आगे बढ़ाए। और टेस्टमनी लेकर आओ जल्दी से। यस। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी इस माता का नाम गुंजारो। बोला ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। चलिए बोलिए। पास्टर जी इस माता का नाम गुंजारो आ अते किलार तो बिलोंग कर दिया। इन्हें दी जिंदगी दे विच परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। मैं चाहती हूँ एक बार फिर अपने हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि पास्टर जी ये माता दस दे आ के 10 दिन पहला इन्हें दे बैक साइड ते एक गटी हो गई सी, अते एक साइड दे इन्हें दे मोंडे दे कोल बहुत वड्डी गटी हो गई सी, अते बैक साइड पिठ दे उत्ते काफ़ी वड्डा कोई निशान पै गया सी जिहदे विच बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी सी। माता दस दे आ के लास्ट संडे जदों वो आए
ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ 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 ਬੋਲੋ ਹੂੰ ਹੂੰ दो बार कहे हूँ हूँ यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है फिर कहे हूँ हूँ रात को जब सोना है ना तो ऐसे कहना है हूँ हूँ यीशु जिंदा है डरना नहीं है बाकी लोगों ने कि खवनी चर्च में क्या कर कर आ गए हमारी हुएं निकलनी चाहिए भाई जो मुर्दे हैं उनकी हुएं नहीं निकलती मगर जो जिंदा परमेश्वर के जिंदा लोग हैं वो कहते हैं हूँ हूँ यीशु आवाज नहीं आई हूँ हूँ यीशु जिंदा है हालेलुया हालेलुया चेक किया यस पास्टर जी चेक कर कर आए पूरी तरह और मैं चाहता हूँ कि पूरे तरीके से चेक करो यहाँ पर रसौली थी वो उड़ चुकी है बोलो उड़ चुकी है उड़ चुकी है आज डिलीवरेंस मीटिंग है तो डिलीवरेंस परमेश्वर कर रहा है आजाद कर रहा है यस आमीन कितने लोग पीछे सुन रहे हैं आगे सुन रहे हैं जो रसौली थी वो उड़ चुकी है बोलो यीशु ने उड़ा दी है अभी नहीं आएगी अभी नहीं आएगी बोलो अभी नहीं आएगी अभी नहीं आएगी अभी नहीं आएगी अभी नहीं आएगी अगर आप सब बोल रहे हो ना तो आपके घर में भी कोई बीमारी नहीं आएगी आमेन हालेलुया हालेलुया जब ना कोई चंगा होता है जब कोई गुड न्यूज आती है जब कोई अच्छा काम आपकी लाइफ में होता है तो सबसे ज्यादा सबसे बढ़कर कौन रोता है शैतान बोलो कौन शैतान बोलो उच्ची बात से शैतान दुख किसको लगता है शैतान को खुश कौन होता है शैतान आप नहीं होते हम और मेरा परमेश्वर यस आमीन तो शैतान क्या करता है रोता है बोलो रोता है yes. कहो रोई जा रोई जा रोई जा रोई जा दफन हो जा दफन हो जा उठ जा नरक चले जा नरक चले जा तेरा कोई काम नहीं इत्थे असी परमेश्वर दे लोक आ असी परमेश्वर दे लोक आ प्रभु ने मेनू मेरे पैर ते खड़ा कर दिता ते मैं हुण बैठी नहीं हैगी बैठा नहीं हैगा उच्ची बोलो मैं बैठी नहीं हैगी मैं हुण खड़ा आ खड़ा बैठे कई जांदे खड़े आ असी शैतान दा खुल्लम खुल्ला तमाचा बनाओ आनंद परमेश्वर की हजूरी च आ यस आमीन हालेलुया हालेलुया और मेरे अंदर वो गिफ्ट हन के आनंद दे नाल असी शैतान नु हराईदा आ आमीन खुशियां नाल असी ओनु कढ़ीदा आ यस आमीन यीशु दे नाम विच कढ़ीदा आ आमीन इसलिए कहो ਗਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ 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 ਸਫਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸਫਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਓ ਸਫਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸਫਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਓ ਗਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਕਹੇ ਕਹੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਗਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਾਹੇ ਭੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਦੇ ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
जल्दी से अपने सर के ऊपर दोनों हाथ रखें। ऑनलाइन कलीसिया ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। जो टेस्टमनी यहां पर है आपकी लाइफ में एंट्री करे यीशु के नाम से। इसी समय परमेश्वर का फजल आप पर आए, इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आए, इसी समय परमेश्वर की प्रेजेंट आए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता आज दी अगुवाइयां वास्ते प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस पिता। ए यहोवा परमेश्वर की आज खुदा तुसी अपने हाथ नु वधाया और प्रभु अपने वचन नु ब्लेसिंग दे नाल भरिया खुदा। शुक्रिया खुदावन खुदा कि आज इन्हां दे नामां नु लेके खुदा इन्हां नु आवाज मारी मेरे यीशु। थैंक यू जीसस प्रभु, तेरा धन्यवाद कर दी प्रभु जी, तारीफ कर दी खुदावन खुदा। जिन्हें ऑनलाइन ने प्रभु जी उन्हां दे उत्ते भी खुदा इहो जलाल तेरा मंगदी हां मेरे प्रभु जी। उन्हां दे घरां दे विच पिता, उन्हां दी हर एक फैमिली दे विच तेरा जलाल मंगदी हां यीशु राजा। और इस समय खुदा जिन्हें ने अपने हथां सिरां दे उत्ते अपने हथां नु धरिया है प्रभु जी, इन्हां हथां दे जरिए तेरी वड्डी ब्लैसिंग उतरी है, क्योंकि तेरा हाथ इस जगह ते आया होया है, तेरी सामर्थ इस जगह ते आ चुकी है। थैंक यू जीसस प्रभु, तेरा धन्यवाद। सामर्थी प्रभु तेरा शुक्रिया पिता। ए खुदा जिन्हें लोग प्रभु अपने घरां नु सारे ने प्रभु जी तुहाडी वड्डी ब्लैसिंग मंगदी हां प्रभु जी। ए खुदा शांति अते आनंद इन्हां दे घरां दे विच होवे मेरे प्रभु जी। इन्हां दी पूरी फैमिली बचाई जा सके मेरे खुदा। इन्हां दे बच्चे खुदा तेरे नाम नु जानन वाले बन सकन खुदावन खुदा। यस पिता तेरा शुक्रिया प्रभु जी। अगर कोई नशिया दे विच है यीशु, यहोवा तेरे नाम च ओ आजाद हो जान मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु, तेरा धन्यवाद, तारीफ हो, तेरा शुक्रिया अदा कर दी प्रभु। इस दुआ नु यीशु दे नाम च मांगदी हां पिता। आमेन, आमेन।